मैं अपने विषय का प्रारंभ करूं इससे पहले एक कहानी कहना चाहता हूं। एक राजा था, उसकी एक ही बेटी थी और बेटी शादी योग्य हो गई थी। बहुत से राजकुमार उनसे शादी करना चाहते थे। योग्य थी, देखने में भी सुंदर थी और एक ही बेटी थी। राजकुमार चाहते थे कि हम उनसे शादी करें और कई राजकुमारों की ओर से, कई रजवाड़ों की ओर से राजा को सूचना भी मिली थी। राजा ने सोचा कि मैं किसे कहूँ, किससे आखिर अपनी बेटी की शादी करूँ, कई लोग हैं तो फिर परीक्षा लूँगा, जो योग्य होगा, साहसी होगा, उन्हीं से अपनी बेटी की शादी करूँगा। तो राजकुमार जितने शादी करने के इच्छुक थे सबको आमंत्रित किया गया, आ जाएं। समय निर्धारित हुआ और सभी को, और बहुत सारे नागरिक जो उन लोगों के साथ आए थे, और इस राज्य के एक बहुत बड़ा तालाब, बड़ी सी झील, बड़ा सा तालाब था, वहाँ ले गए और वहाँ जाकर सब खड़े हो गए। राजा ने अनाउंस किया कि जो भी मेरी बेटी से शादी करने के लिए राजकुमार आए हैं, जो भी आए हैं, और वही उन्हीं से मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा, जो अभी कुछ देर बाद एक घंटी लगेगी, बेल बजेगी, इस तालाब में छलांग लगाएंगे, कूदेंगे और तैर करके उस पार जाना है, जो पहला आ जाएगा, प्रथम आएगा, उन्हीं से मेरी बेटी की शादी होगी। और शादी जब होगी तो उसके गिफ्ट में, या दहेज कह लो, ये पूरा राज्य होगा, क्योंकि उसकी एक ही बेटी थी, ये पूरा राज्य होगा। बड़ी बात थी, बेटी भी मिलना और पूरे राज्य का मिलना। और घंटी जैसे बजेगी, ये आप कोई भी, आप लोग छलांग लगाएंगे और उस पार जाना है। घंटी बजने के ठीक पहले राजा ने एक अनाउंस किया, लेकिन एक बात और बता दूं, इस तालाब में देश और विदेश के हजारों विषैले सर्प छोड़े गए हैं। इस तालाब में देश विदेश से हजारों विषैले सर्प छोड़े गए हैं। और घंटी बज गई। अब आप सोच सकते हैं, कोई कूदने को तैयार नहीं, सब तो चाहते थे कि हम शादी करें, लेकिन जैसे ये सुने कि विषैले सर्प इसमें छोड़े गए हैं, और कुछ देर के बाद जब कोई नहीं कूद रहा था, एक छलांग लगाने की आवाज़ आई और वो युवक जोरों से तेजी से तैरते तैरते उस पार निकल गया। और जब उस पार निकले तो जितने उसके बहुत सारे साथी आए थे उस राज्य से, वो सब के सब वहाँ पहुँचे, और लोग भी सब पहुँच गए वहीं, और उस व्यक्ति को कंधे पर उठा लिए और उसके जय जयकार करने लगे, बस आप तो राजा बन गए। और जब कंधे पर उठाकर उसके जय जयकार कर रहे थे, उसने ज़ोर से चिल्लाया, चुप रहो, चिल्लाओ मत, पहले यह बताओ मुझे धक्का किसने दिया है, यहाँ धक्का किसने दिया है। धक्का चाहे जिसने भी दिया हो, राजा तो बन गया, बेटी की शादी भी हो गई। मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस कार्यक्रम में
जो आप लोग उपस्थित हुए हैं यहाँ आने के लिए, जिसने भी आपको धक्का दिया है, देखिए एक बात कहता हूँ, उन्होंने कहा था कि ताली मत बजाइए, लेकिन अभी बजाइए, उनके नाम से ताली बजाइए जिसने आपको धक्का दिया है। और यदि किसी ने धक्का नहीं दिया है और आपने खुद को धक्का दिया है, उसके लिए डबल ताली बजाइए। मेरे वेशभूषा को देखकर आप लोगों को लगता होगा ना कुछ धर्म की कथा कहेंगे, लेकिन आज मैं धर्म की कथा कहने वाला नहीं हूँ, आज मैं जीवन की कथा कहने वाला हूँ। क्योंकि जीवन से अलग मैं सोचता हूँ धर्म नहीं है, आपके जीवन से अलग कोई धर्म नहीं है। आप यहाँ हो और आपका धर्म आपसे अलग हो, ये मैं नहीं समझता। आप यहाँ हो और आपका सत्य आपसे अलग हो, आप यहाँ हो और आपका परमात्मा आपसे अलग हो, आपकी शांति आपसे अलग हो, आपका मोक्ष आपसे अलग हो, ये मैं नहीं मानता। मैं जहाँ तक समझता हूँ वह सब आपके अंदर है, क्योंकि धर्म का अनुभव आप कहाँ करेंगे, अपने में तो करेंगे। सत्य का अनुभव आप कहाँ करेंगे, अपने में तो करेंगे। शांति का अनुभव आप कहाँ करेंगे, अलग नहीं, अपने में करेंगे, अपने में करेंगे। लेकिन वो सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, कहीं तो मिसिंग लिंक है। और किसी ने किया है, किसी ने किया है पहले भी और आज भी। जिस परम सत्ता परम तत्व की बात कहते हैं, जिस परम आनंद की बात करते हैं, मोक्ष और कल्याण की बात कहते हैं, उसका किसी ने तो अनुभव किया है, किसी ने तो उसे पाया है। और आज हम नहीं पा रहे हैं, अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ तो कहीं तो गड़बड़ी है, वो क्यों है, आज बस यही समझना है। और वो कैसे, मैंने कहा ना जीवन, जीवन में ही अनुभव करना है। इसका मतलब है उन्हें भी तो जीवन मिला था, बुद्ध को भी तो जीवन मिला था, महावीर को भी तो जीवन मिला था, कबीर को भी मिला था, जितने भी संत या महापुरुष हुए उनको जीवन तो मिला था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में सत्य का अनुभव किया, अपने जीवन को इस ढंग से उन्होंने जिया, स्वयं के लिए हुआ और दुनिया के लिए भी हो गया, सबके लिए हो गया, हम सबके लिए हो गया। हम ऐसा क्या करें कि हम अपने जीवन को किस तरह बनाएं कि हम भी उसका अनुभव करने लग जाएं, हम भी उसका अनुभव करने लग जाएं। बस इसी जीवन को निर्मित करना है, इसी जीवन को इस ढंग से बना लेना है कि जीवन में उसका अनुभव हो जाए। और जिसने यह काम किया, समझ लो उसने अपने जीवन का सही प्रबंधन किया। आज हमें जीवन तो मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है, और अभी सुन रहे थे ये मनुष्य का जीवन अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ क्यों है, श्रेष्ठ इसलिए है कि इस जीवन में संभावना ज्यादा है, बहुत संभावना है। अन्य प्राणियों में, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े में बहुत कम संभावना है, सीमित, क्योंकि प्रकृति से नियंत्रित हैं। और हम सभी बिल्कुल अलग हैं, हम में जो सोचने की क्षमता है, बोलने की जो क्षमता है, पशु पक्षियों से
हमें एक अलग स्थापित करता है, अलग लेवल पर ले जाता है, और इसीलिए हम सबके जीवन में संभावनाओं का महाद्वार खुल जाता है। और सबके जीवन में, सभी मनुष्यों के जीवन में है, लेकिन उस संभावना को वास्तविकता में बदलने का काम बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। और जिसने उस संभावना को वास्तविकता में बदलने का काम किया, उसने अनुभव किया, अनुभव किया। और हम सब भी यदि अपने जीवन को उस ढंग से बना लें जिससे वह अनुभव हो जाए, तो हम भी कर सकते हैं, ये कोई असंभव नहीं है। जो किसी के लिए संभव है, हमारे लिए भी संभव है, बिल्कुल। तो जीवन मिला और हम सोचते, ये भी सुनते हैं, ये बहुत भाग्य से मिला है। लेकिन भाग्य से तो मिला है, इसको थोड़ा दूसरे ढंग से भी कहना चाहिए, भाग्य जगाने का अवसर है, अवसर है। संभावनाओं से कैसे है, इसको मैं एक बहुत सरल ढंग से बातें बताऊं। वो ये है कि जैसे अनगढ़ पत्थर, और बहुत कीमती पत्थर हो, लेकिन वो सीधा सपाट हो, उस पत्थर में कई प्रकार की मूर्तियों की बनने की संभावना है। किसी भी कलाकार को बुला लो और आप उनसे ये कहो, इस पत्थर में आप भगवान राम की मूर्ति बना दो, उसे कहा बिल्कुल बना दूंगा। फिर आपने कहा नहीं, इसमें हनुमान की बना दो, उसकी भी बनने की संभावना है, बुद्ध की उसकी भी, कबीर की उसकी भी। फिर आपने कहा नहीं, ये सबकी नहीं, एक शेर की मूर्ति बना दो, हाँ वो भी बन जाएगी। फिर अगले दिन आपने कहा नहीं, शेर नहीं, गधे की बना दो, हाँ वो भी बन जाएगी, उल्लू की, हाँ उसकी भी बन जाएगी। ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूं, पत्थर में विभिन्न प्रकार की मूर्तियों की बनने की संभावना है। ऐसे ही हम सबके जीवन में भी विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में सफल होने की संभावना है, पूरी संभावना है। और उस संभावनाओं के साथ ही हम यहाँ आए हैं। मैं एक चीज बताऊं, प्रकृति पक्षपात नहीं करती किसी के लिए, यहाँ कोई पक्षपात वाली बात नहीं है। मनुष्यों में पक्षपात है, लेकिन कुदरत में, सत्य में, वहाँ पक्षपात नहीं है। जिन्होंने परम शांति का अनुभव किया, उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था रही, और हम सब के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सबके लिए अवसर है, और कोई पक्षपात ही नहीं है। हम सब अपने जीवन में वह करें जो सचमुच हमें करना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि वो जो पत्थर की मूर्ति, जो से पत्थर से मूर्ति बनने की संभावना है, ऐसे ही हम सबके जीवन में भी ऊंचाई पर जाने की संभावना है, पूरे लेवल पर सत्य के अनुभव करने की संभावना है। लेकिन एक दूसरी बात भी है, अपना पतन करने की भी संभावना है। दोनों दरवाजे एक साथ खुलते हैं। आप देखें, मैंने कहा ना, पशु पक्षियों में बहुत सीमित संभावना है, पशु कभी अपना पतन नहीं कर सकते, और इसीलिए उनका बड़ा उत्थान भी नहीं होने वाला है। मनुष्य ही है, वो अपने आप को इतना पतित कर लेता है, इतना नीचे गिरा लेता है, जितना पशु नहीं गिरा सकता है, पशु नहीं गिरा सकता है। और इसीलिए इसमें संभावना बनती है कि जो गलत कर सकता है वह सही भी कर सकता है, जो दुखी हो सकता है वह सुखी भी हो सकता है। ये संभावना, जिसे ये खंभा सामने है, खंभा में दुखी होने की संभावना नहीं है तो सुखी होने की भी संभावना नहीं है, गलत करने की संभावना नहीं है तो सही करने की भी संभावना नहीं है। बस यही एक महत्वपूर्ण है, हम में गलती से बहुत बड़ी गलती करने की संभावना है, और ऐसी गलती करके हम
नीचे रसातल की ओर अपने जीवन को ले जा सकते हैं, लेकिन चाहे आप गलत करें चाहे आप अच्छा करें, आपके अंदर में कोई शक्ति चाहिए, कोई ऊर्जा चाहिए, उसके बिना नहीं कर सकते। बस उसी ऊर्जा को ऊर्ध्वरेता करना है, उसे ही ऊपर उठाना है, उसे ही ऊपर उठाना है। और जिसने ये काम किया और जिसमें ये कला आ गई, हम सब में यदि कला आ गई तो फिर हम वो काम कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी पत्थर का उदाहरण दिया, तो पत्थर, चूंकि हम मूर्ति बनाना नहीं जानते और हमारे हाथ में छीनी हथौड़ी दे दें, जो भी मूर्ति बनाने में उपयोगी औजार है वो दे दें और हमें कहे मूर्ति बनाओ, तो हम क्या करेंगे? पत्थर को छीनेंगे, कुछ करेंगे और ऐसा बिगाड़ेंगे कि उसमें जो सही कलाकार आएगा ना तो भी मूर्ति बनाना कठिन हो जाएगा। मैं एक दूसरा उदाहरण बताऊं, एक कैनवास हो और रंग हो, ब्रश हो, और हमें कहा जाए कि इसमें पेंटिंग्स बनाओ, और हमने तो कभी किया नहीं है, तो हम रंग ब्रश में लगाएंगे, कैनवास में फेरेंगे भी इधर उधर, लेकिन वहाँ वो क्या होगा, वो कैनवास रंगों से पोता गया है, बस बेतरतीब उसमें चिन्ह हैं, लेकिन कोई कलाकार, कोई चित्रकार वही रंग, वही कैनवास, वही ब्रश लेगा और इतना सुंदर पेंटिंग बनाएगा, देखने में सुंदर होगा, उसकी कीमत भी बहुत होगी। चीजें तो वही है ना, लेकिन वो कैसे कर पाया? क्योंकि वो उस कला को जानता है। अच्छा, हम भी यदि सीख लें तो हम भी तो वो कर सकते हैं, ये कोई असंभव है नहीं, हम भी वो कर सकते हैं, बस वो सीखना है उस चीज को। एक चीज और बताऊं साथ साथ, जो भी कलाकार हैं, चाहे वो पेंटिंग से वाले हों, चाहे वो पत्थर की मूर्ति बनाने वाले हों, चाहे लकड़ी की फर्नीचर बनाने वाले हों, चाहे वो सोने के आभूषण बनाने वाले, कोई भी ये कलाकार तब तक के अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर सकते जब तक उनके हाथ में औजार न हो। उस पत्थर में मूर्ति बनाने के लिए वो बाहर से औजार लेकर के आता है, उससे काम करता है, लेकिन हमें अपने जीवन को निर्माण करना है, हमें जीवन को बनाना है और मनचाह बनाना है, तो उसके लिए औजार बाहर से नहीं है, ये ध्यान रखो, इस चीज को समझें। उसको बाहर से कोई औजार की जरूरत नहीं है, यदि आप कहना चाहें तो कह सकते हैं वो क्या है, गॉड गिफ्टेड, प्रकृति प्रदत्त, शुरू से प्राप्त है। और मैंने क्या कहा था, औजार तो है, हम उपयोग करना सही नहीं जानते, तो वह औजार वो सबके पास है जिससे हम अपने जीवन का सुंदर निर्माण कर सकते हैं। वो औजार हमारे पास है और सबके पास है, सबके पास में, क्या उस औजार के बारे में जानना चाहेंगे? और सबके पास, अच्छा जानते भी हैं, बस थोड़ा इसको समझने जैसी है। जीवन को, जीवन में आनंद का अनुभव करना है तो जीवन को समझना पड़ेगा, ये आप ध्यान, किसी भी काम को समझ करके करते हैं, सोच विचार करके करते हैं, वह काम अच्छा होता है। कोई भी काम आप देखें, कोई भी काम सोच समझ के करें, विचार पूर्वक करें, काम अच्छा होगा। और बिना सोचे समझे करें, बिना समझ के करें, क्या वो काम अच्छा होगा? नहीं होगा। भोजन बनाना हो, मकान बनाना हो, ऑफिस में काम करना हो, समझो किसी काम को किस लिए कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए, एक सही समझ हो और फिर करना शुरू करें, सही विचार पूर्वक काम करें और वो काम शुरू हो जाएगा, अच्छे से अच्छा होगा। ऐसे ही जीवन को हम तब तक अच्छा नहीं जी सकते, जीवन को हम तब तक अच्छा नहीं बना सकते जब तक हम जीवन को न समझें। ये कैसे काम करता है जीवन, प्रकृति कैसे काम करती है, जीवन कैसे काम करता है, कैसे रिजल्ट आता है, इन सब चीजों को समझना होगा।
और जैसे ही समझ लिए और सही डायरेक्शन में काम कर सही तरीके से काम करने लग गए तो क्या होगा, फिर वो रिजल्ट आने लग जाएगा, जीवन में बढ़िया रिजल्ट आने लग जाएगा। तो मैं औजार के बारे में कह रहा था, वो औजार कौन कौन से हैं जो सबके पास है, वो क्या है, वह है हमारा मन, वह है हमारी वाणी और वह है हमारी इंद्रिया। हम सब में क्षमता है सोचने की, बोलने की और करने की, और यही औजार है जो हमारे जीवन को निर्मित करता है, अच्छा या बुरा। यही एक रास्ता, यही एक ढंग है। यदि आप जीवन को बर्बाद करना चाहें तो इसी के माध्यम से करेंगे, और जीवन को उत्थान की ओर ले जाना चाहें, ऊंचाई में ले जाना चाहें तो इसी के माध्यम से करेंगे। कैसा उपयोग करना है ये आप पर निर्भर करता है, आप चुनाव करते हैं, आप चुनाव करते हैं। क्या करना है, कैसे बनाना है जीवन को, ये पहले हमें तय करना पड़ेगा। हमें जैसे मैंने मूर्तिकार को उदाहरण दिया था ना, किसकी मूर्ति बनानी है ये पहले तय कर लो। ऐसे ही है जीवन। मैं एक प्रश्न करूं, बहुत साधारण सा प्रश्न है, हम सभी जितने लोग बैठे हैं कैसा जीवन चाहते हैं, मेरी बात तो समझ में आ रही ना। अच्छा नहीं समझ रहे हैं तो मैं एक दूसरे ढंग से पूछूं इस चीज को। अच्छा कैसा मोबाइल चाहते हैं, अब तो कुछ समझ में आ रहा होगा। अच्छा कैसी गाड़ी चाहते हैं, पता चल रहा है। अच्छा कैसा मकान चाहते हैं, समझ में आ रहा है ना। और एक बात और पूछूं, अच्छा जीवन साथी कैसा चाहते हैं, अब तो समझ में आ गया होगा। ये सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है, क्या, मन पसंद का, है ना। मोबाइल कैसा चाहिए, मन पसंद का। गाड़ी कैसी चाहिए, मकान कैसा चाहिए। अच्छा जीवन साथी, मन पसंद का। जीवन चाहिए मन पसंद का, और वह मन पसंद का जीवन आपको कोई गिफ्ट में देने वाला नहीं है, यह पान करके चलो। क्या करना पड़ेगा, खुद को बनाना पड़ेगा। आप अपने जीवन के शिल्पकार हैं। कभी आप गुजरात की राजधानी गांधीनगर आए और वहां अक्षरधाम की प्रदर्शनी में जाएं, सुने होंगे अक्षरधाम, वहां की प्रदर्शनी में जैसे ही प्रवेश करते हैं वहीं एक पत्थर की मूर्ति, पत्थर में एक मूर्ति मनुष्य की, वो आधी बनी हुई पूर्ण निर्मित नहीं है, कुछ बचा है, थोड़ा सा चेहरा है खुला, इसे पता चलता है कि मनुष्य, लेकिन उसका हाथ भी थोड़ा दिख रहा है। हाथ में क्या, एक हाथ में छीनी है और दूसरे हाथ में हथौड़ी है, अर्थात वो खुद को ऐसे छीनते हुए दिखाया गया है, बनाते हुए। संकेत क्या है, मनुष्य अपना निर्माता है, अपना निर्माता है। लेकिन आप निर्माण तब अच्छा कर पाएंगे, जैसे मैंने कहा ना कि आपको यह पता चले कि मैं जीवन सचमुच चाहता क्या हूं, जीवन में चाहता क्या हूं। उद्देश्य विहीन जीवन, लक्ष्य विहीन जीवन वैसे ही है जैसे बिना नाविक का नाव, और उस जहाज की तरह है जिसमें कंपास नहीं है, दिशा सूचक यंत्र नहीं है। क्या वो जहाज कहीं जाएगा, क्या हमने अपने जीवन में कोई तय किया है, कोई लक्ष्य निर्धारित किया, क्या चाहते हैं जीवन में, और जो चाहते हैं क्या उसके हमने कुछ नक्शा डायग्राम बनाया है। जैसे आप एक मकान बनाने के लिए जमीन लेते हैं, तो जमीन जब लेते हैं तो मकान बनाने के पहले क्या करते हैं, ये सबको पता है, सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, नक्शा बनाते हैं, सही है ना। मनपसंद का मकान का मतलब पहले मनपसंद का नक्शा होना चाहिए। अच्छा नक्शा जब बनाते हैं तो पहले नक्शा बनना कहाँ शुरू होता है, दिमाग में होता है कि नहीं होता है। आप पहले दिमाग में बनाते हैं
इतने कमरे चाहिए, ऐसा बरामदा चाहिए, ऐसी बाथरूम चाहिए, ऐसा अब बन रहा है मकान। मकान कहाँ बन रहा है पहले? अच्छा कई दिनों तक बना रहे हैं ना आप अंदर अंदर। फिर क्या करते हैं, किसी आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, अपने मन की बात कहते हैं, फिर उनका भी अनुभव, दोनों मिलकर के नक्शा का एक सुंदर सा ब्लू प्रिंट निकला। और उस ब्लू प्रिंट जो निकला बाहर, उसे आप किसी बिल्डर को देकर कहते हैं ऐसा मकान मेरे लिए बना दो, ऐसा जो नक्शा है ना बस सेम ऐसे ही बना दो। और सचमुच जब वो नक्शा, मान लो वो 5000 स्क्वायर फीट का है नक्शा, 5000 स्क्वायर फीट उसमें बता रहा है, तो जो मकान बनकर तैयार होगा तो कितने हज़ार स्क्वायर फीट का होगा? 5000 का, क्योंकि नक्शा के रिगार्डिंग ही बनेगा ना, नक्शा के अनुरूप ही बनेगा। और एक दूसरा, आपने नक्शा नहीं बनवाया, किसी बिल्कुल नए नए जो मिस्त्री का काम शुरू किया उसको आपने पैसा दे दिया, मेरे लिए एक मकान बना दो, उसने मकान बनाया। लेकिन जब आप रहने गए, आपने कुछ नक्शा नहीं बनाया, आपने कुछ सोचा सोचे समझे नहीं, और नक्शा बनाने के लिए उनको पैसे तो दे दिए, मकान बना भी दिया, लेकिन जब आप उस घर में रहने गए तो आपको क्या लगा? देखो ना दरवाज़ा कितना छोटा है, सिर झुका के चलना पड़ता है, अच्छा बाथरूम का पानी तो ठीक से जाता भी नहीं बाहर, किचन भी कैसे बना दिया, खिड़की कैसे बने हुए हैं जिसमें हवा प्रकाश ठीक से नहीं है। आप उस मकान में रहने के लिए अभिशप्त हो जाएंगे जिसको आपने बिना सोचे समझे बनवा लिया है। लेकिन मनपसंद का नक्शा बना करके जब आप रहना शुरू करेंगे और मकान में प्रवेश करेंगे तो क्या कहेंगे? मेरे सपनों का घर। सही है ना? आपको भी अपने जीवन को सपना वाला बनाना है तो पहले सपना देखो, सपना देखो क्या चाहते हैं। हम में से बहुत कम लोग हैं जिनसे पूछो कि क्या चाहते हो, अभी मैं पूछूं तो क्या कहेंगे? और तो कुछ नहीं, मुझे एक गाड़ी चाहिए, मुझे एक मकान चाहिए, मुझे एक जीवन साथी चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए। भाई ये आप आपकी मांग है, आपकी चाहना है, जीवन की नहीं है, हमेशा ध्यान रखो। और ये निर्धारित आप ही करेंगे ये जीवन। देखो एक चीज बताऊं मैं, जीवन की मांग और आपकी मांग में थोड़ा अंतर है, इसको मैं डिफाइन करना चाहता हूं। जीवन की मांग वह है जिसे सबका जीवन स्वीकार करे, और आपकी मांग भिन्न भिन्न, जैसे मैंने कहा ना, कोई मकान, कोई गाड़ी, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई नौकरी, कोई शादी, तो कोई तलाक, ये सब मांग हो सकती है, लेकिन सच क्या है वो अलग है। लेकिन यह तय कौन करेगा? आप ही करेंगे, ये आप ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं है, जैसा भी मिल जाए। अच्छा जब तय नहीं करते तब क्या होता है, आप ध्यान दीजिए, जब तय नहीं करते हैं तो मैंने कहा ना, तय नहीं करने पर वैसे ही मकान, अर्थात आपका जीवन वैसे ही बनता चला जाएगा जिसमें आप दुखी और अशांत रहेंगे, परेशान रहेंगे। यदि आपका अभी अनुभव हो रहा है मैं दुखी हूँ, अशांत हूँ, बीमार हूँ, आपस में संघर्ष है, मन अशांत है, अपनों से शिकायत है, इसका मतलब आपने अभी तक जीवन को बिना सोचे समझे जिया है, और आप उसे बदल सकते हैं। आपको तय करना है, चलने के पहले तय कर लो कि आपको पहुंचना कहाँ है, कहाँ जाना है, ये तय पहले कर लो ना। जैसे आपका स्टेशन है रेलवे स्टेशन, वहाँ गए और बुकिंग काउंटर पर आपने पैसा लेकर के हाथ डाल दिया और आपने कहा बाबूजी एक टिकट दे दो, वहाँ से क्या उत्तर आएगा? कहाँ का दूँ? और आपने क्या कहा? कहीं का भी दे दो। अच्छा कहाँ का टिकट मिलेगा आपको? कहीं का नहीं मिलेगा, सही है ना? अच्छा कौन बताएगा? आप ही तो बताएंगे। इसी प्रकार से अच्छा कैसा जीवन चाहते हैं, जीवन में क्या चाहते हैं, ये कौन बताएगा? आप। अभी तो क्या है, अभी तो मन तो वहीं अटका है, इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए, इतना मकान चाहिए। अरे जीवन से क्या है, आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं? इसलिए नहीं जानते हैं कि हम सभी कभी जीवन के संबंध में विचार ही नहीं किए हैं। सच बात तो ये है, स्कूल में भी जो पढ़ाई होती है
वह कुछ विषयों की जानकारी दी जाती है, जीवन के संबंध में कहाँ जानकारी दी जाती है, और इसलिए जरूरी होती इन बातों की चर्चा करना। विद्यालय में ज्यादातर जो पढ़ाई होती है वो क्या है बताऊं? रोजी रोटी कमाने की शिक्षा। आप अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? इसलिए कि अच्छे से अच्छे नंबर आए और बड़ी से बड़ी नौकरी मिले और ज्यादा से ज्यादा वो पैसा कमाने वाला बन जाए, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। बच्चे भी इसी उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, इसी ढंग से हमारे शिक्षा का डिजाइन भी हुई है। कुल मिलाकर यदि मैं थोड़ा से कठोर शब्दों में कहूँ तो क्या कहूँ, आप अपने बच्चों को पैसा बनाने की मशीन बनाना चाहते हैं, बस सही है ना? लेकिन इतना ही नहीं है आपको पढ़ाने का उद्देश्य, वह जीवन जीने का ढंग भी सीखे, कैसे जीना है। और जब तक वो जीवन जीने का ढंग नहीं सीखेगा, मकान तो बन जाएगा लेकिन उस मकान में रह करके वो दुखी रहेगा, अशांत रहेगा, जिन लोगों के बीच रहेगा उन लोगों के साथ संघर्ष में रहेगा, तो फिर वो मकान कैसे सुख देगा, वो गाड़ी कैसे सुख देगी? आपको आना चाहिए जीने का ढंग। तो वो जो चीज है विद्यालय में नहीं बताई जाती है, परिवार में भी इसकी चर्चा नहीं होती है, समाज में कोई चर्चा नहीं होती है। जहां तक धर्म कथाओं की बात है, कार्यक्रमों की बात है, आप कथा सुनने जाते हैं। कथा में क्या होता है? कभी राम कथा, कभी कृष्ण कथा, कभी भागवत कथा, कभी पुराण कथा, कभी देवी भागवत, कभी शिव कथा, बहुत सारी कथाएं सुनते हैं। उसमें क्या है? महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन। अच्छा, बहुत सारी बात आप जानते भी हैं पहले से, जैसे राम कथा सुनने गए, और आज क्या हो गया, आज धनुष यज्ञ हुआ है, सीता स्वयंवर, ठीक है। अच्छा, कल आप जाएंगे तो क्या कहेंगे? आज तो वनवास हो जाएगा। जानते कि नहीं जानते? जानते हो, रिपीटेशन होता है। अच्छा, आज तो वनवास हो जाएगा, फिर अगले दिन क्या कहेंगे? अच्छा, अब तो सीता हरण हो जाएगा। ये सब दोहराया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अपने जीवन के विषय में क्या जाने, और आपने अपने जीवन को बदल करके एक अच्छा जीवन जीने का कौन सा प्रबोध आपको मिला, वो तरीका कहाँ से पाए? सचमुच मैं ये जो दुखी और अशांत वाला जीवन है, ये जो इस प्रकार से जो बेतरतीब जीवन है, इसे बदल करके एक सिस्टमेटिक जीवन, सुंदर जीवन जी करके मैं जीवन में अच्छा परिणाम पाऊँ, ये आपको सीखना है। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, आप अच्छा जीवन जी रहे हैं या अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं, कैसे जानते हैं? मेरा प्रश्न फिर से, शायद ध्यान नहीं होगा तो फिर से पूछता हूं, आप अच्छा जीवन जी रहे हैं या अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं, इसे आप कैसे जानते हैं? अर्थात जीवन को परखने का पैमाना क्या है? परखें कभी, आपने सोचा कभी, सचमुच मैं वही जीवन जी रहा हूं जैसा मैं चाहता हूं, सचमुच वैसा जी रहा हूं, या फिर वैसा नहीं है? ये आप खुद, मैंने कहा ना, शिल्पकार आप मन चाहे बनाएंगे इस चीज को। हमें नहीं पता है कि हम सचमुच अच्छा जीवन जी रहे हैं। आप कहेंगे मैं अच्छा जीवन जी रहा हूं, मैं कहूंगा नहीं, आप अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं, आप सिद्ध करिए। कैसे सिद्ध करेंगे? बड़ा सरल तरीका है, बड़ा सरल तरीका है। जैसे एक विद्यार्थी साल भर पढ़ता है, एग्जाम हुआ, परीक्षा हो गई, और रिजल्ट आया, और रिजल्ट में क्या हुआ, फेल हो गया। फिर उससे कहा गया, किसी ने कहा, अच्छा फेल कैसे हो गए? अरे मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी, और बहुत अच्छा लिखा था, एग्जाम में भी बहुत बढ़िया लिखा था। क्या कहा जाएगा? ये मत बता कि तुमने कितनी मेहनत की थी, तुम्हारा रिजल्ट बता रहा है। सही है ना? तुम्हारा रिजल्ट बता रहा है कि सचमुच तुमने साल भर कैसे पढ़ाई की है। ऐसे ही हमारे जीवन का रिजल्ट बताता है कि हम अच्छा जीवन जी रहे हैं या अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं। रिजल्ट जो डे बाय डे जो रिजल्ट आ रहा है, सुबह से शाम तक आनंद में ज्यादा समय बीतता है, तनाव में ज्यादा समय बीतता है, परिवार में आपस में संघर्ष है
कि आपस में बहुत प्रेम है। मैं अपना जीवन बीमारी में ज़्यादा बिताता हूँ, स्वास्थ्य में ज़्यादा बिताता हूँ, क्या है इस चीज़ को जरा सोचें। मैं प्रसन्न रहता हूँ, खुश रहता हूँ, अपनों के प्रति कोई शिकायत नहीं है, अकेले भी बैठता हूँ जैसे अकेले बैठा, शांत और प्रसन्न मन, किसी की याद आई उनके प्रति प्रेम है, मैत्री है, सहयोग का भाव है। इसका उल्टा भी है, जैसे अकेले बैठा नफरत है, द्वेष है, घृणा है, क्या पाए जीवन में, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जब से होश संभाले दौड़ 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 ही रहे हैं। कभी पूछो ठहर करके, इस दौड़ते दौड़ते जीवन में मैंने क्या पाया, मन का ठहराव या मन का भटकाव, मैंने कुछ पाया? जो कुछ आप कमा रहे हैं ना अपने जीवन में, वो सब छोड़कर जाना है, लेकिन आप जीवन में जो इकट्ठा कर रहे हैं भीतर, जो भीतर इकट्ठा कर रहे हैं वो आपके साथ जाने वाला है। वो कैसे इकट्ठा कर रहे हैं, कैसे इकट्ठा कर रहे हैं? और कहाँ से? यहीं से, इसी दुनिया से इकट्ठा कर रहे हैं, इन्हीं लोगों के बीच रहकर और अपने ही क्रियाकलापों से इकट्ठा कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं इकट्ठा भीतर, जो वहां पर रस, जो संस्कार, वो बेहद महत्वपूर्ण है। क्या इकट्ठा कर रहे हैं आप, उस पर ध्यान दीजिए। आप ही हैं। जैसे मैं एक बड़ा सरल उदाहरण बताऊं, आप एक छोटी सी जगह हो, मिट्टी हो, खेत हो छोटा सा, एक काम करें, एक वहाँ पर एक मिर्चा का पौधा लगा दें, कुछ दूरी पर नींबू का पौधा लगा दें, फिर कुछ दूरी पर नीम का पौधा लगा दें, फिर कुछ दूरी पर गन्ने का, और ये सभी पौधे तैयार हो गए, सभी पौधे तैयार हो गए। और जब आप मिर्चा का रस निकालेंगे कैसा होगा, समझ तो आ रहा है ना? अच्छा, नींबू का रस निकालेंगे तब कैसा होगा, और गन्ने का क्यों मीठा होगा, कहाँ से लिए हैं? अच्छा, नींबू ने कहाँ से रस लिया, वही से तो लिया, उसी वातावरण से लिया नींबू ने, और मिर्चा ने कहाँ से लिया, इस दुनिया से कौन सा रस लेना है, कौन चुनाव करेगा? हम सब तो ज़्यादातर कौन सा रस लिए हैं अभी तक, ध्यान रखो, अभी तक जो जीवन जी उसमें कौन सा रस इकट्ठा ज़्यादा है, गन्ना वाला है, गन्ना वाला है या मिर्चा वाला है? कुछ तो है, कुछ तो मिसिंग लिंक है। अब क्या करना है, अब बदलना है। तो फिर से आए विषय पर, मैं क्या कह रहा था, चाहते क्या हैं, जीवन क्या चाहता है हमारा, मैं कुछ प्रश्न करूं तो पता चल जाएगा। हम लोग जितने लोग बैठे इसमें से कितने लोग हैं जो बीमारी का जीवन जीना चाहते हैं, जरा हाथ उठाएं। इसका मतलब क्या हुआ, सभी स्वस्थ जीवन, इसमें कोई दो मत है तो हमारे जीवन की पहली मांग क्या हुई, स्वस्थ जीवन जीना, मैं स्वस्थ जीवन चाहता हूं। दूसरा, हम में से कितने लोग हैं जो आपस में लड़ाई झगड़ा वाला जीवन चाहते हैं? कोई नहीं। क्या चाहते हैं? आपस में प्रेम पूर्ण संबंध, रिश्तों में मधुरता, यह है कि नहीं सबकी मांग, ये जीवन की मांग है। एक तीसरा, कितने लोग हैं जो गरीबी का जीवन जीना, बहुत गरीबी कि हमारे हाथ में कटोरा मिले और भीख मांगे ये अच्छा लगेगा, कितने लोग हैं? और कितने लोग हैं समृद्धि का जीवन, मैं समृद्ध जीवन चाहता हूँ। और चौथी बात, हम में से कितने लोग हैं जो शांत मन वाला होना चाहते हैं और कितने हैं जो अशांत मन वाला होना चाहते हैं? हम सभी क्या चाहते हैं, साफ है। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं ना, उसमें कितने पैर हैं, चार, समझ रहे हैं ना? अच्छा, उसमें से एक पैर टूट गया, बैठ पाएंगे? अच्छा, दो टूट गया, बैठ पाएंगे? ये आपके चार स्तंभ हैं। मैं स्वस्थ जीवन जीना चाहता हूँ, हम सभी चाहते हैं, मैं प्रेम पूर्ण संबंध चाहता हूँ, अर्थात जिन लोगों के साथ रहूँ, जिस परिवार में, जिस समाज में, या कहूँ जिन मनुष्यों की कुंडली में रह करके मैं अपना जीवन व्यतीत करता हूँ, वे रिश्ते मधुर हों,
प्रेम पूर्ण हो और मेरे पास इतना धन हो कि मैं भी सुख का जीवन जीऊं और परिवार भी, इतना धन तो चाहिए। और अंतिम बात, मेरा मन शांत, गहरी शांति का अनुभव करे, आनंद का अनुभव करे। ये चीज जिसने पाया, आखिर सफल जीवन किसे कहते हैं? किसके जीवन को देख करके आप कह सकते हैं कि वो आदमी सफल जीवन जी रहा है? या आप कब मानेंगे कि मैं सफल जीवन जी रहा हूं? कब? जब एक बड़ा सा मकान बनेगा तब क्या होगा? किसको मानेंगे सफल जीवन? एक बड़ी सी गाड़ी आएगी तब मैं सफल हो गया? नहीं, कब मानेंगे? जब ये चारों चीजें हो जाएंगी, चारों चीजें हो जाएंगी। और उसके लिए शुरुआत, फिर से मैं कह रहा हूं, उसकी शुरुआत आपके विचारों से, ध्यान दो, उसके लिए विचारों से। आप जब कोई लक्ष्य तय करते हैं तो एक दूसरा काम शुरू होता है वहीं से और अपने आप होने लग जाता है। फिर क्या, आपके जीवन की ऊर्जा, आपके जीवन की ऊर्जा उस लक्ष्य की ओर प्रवाहित होने लगती है। जैसे आपने ये तय किया कि आज मुझे गायत्री शक्तिपीठ जाना है एक कार्यक्रम में, सुबह ही तय कर लिए। अच्छा, सुबह तय कर लिए तो क्या हो गया? तो फिर अब अंदर अंदर विचार चल रहा है, अच्छा कौन सा काम जल्दी कर दूं, फटाफट निपटा दूं, अच्छा कुछ काम को पेंडिंग रख दूं, हो रहा है ना मन? बहुत सारे सोचा, ऐसा करूंगा, चलूं, अब मन मन सोच रहा है। और आपने तय किया, नहीं मुझे जाना ही है, जाना ही है। फिर क्या किया, बताया आसपास को, अरे मुझे जाना है भाई। जब आपके विचार चले वो शब्द में निकले और आपका एक्शन कदम कहाँ बढ़े, गायत्री मंदिर की ओर, हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, ये मान लो तय नहीं करते, तय नहीं करते तो क्या होता? उनको भी सूचना मिली है ना, सूचना उनको भी मिली है, लेकिन उसने क्या तय किया, मुझे नहीं जाना है। ठीक है, इसी समय वो घर में बैठकर टीवी देख रहा होगा और आपने क्या किया, यहाँ आ गए, क्योंकि आपने तय किया कि मुझे यहाँ आना है। ऐसे जिस दिन आपने तय किया, लिखित रूप में तय किया, मान लो मैं स्वस्थ जीवन जीना चाहता हूँ, आप उसके विषय में सोचने लगेंगे और वैसा काम करने लगेंगे, आपके जीवन में ऐसा एक्शन दिखेगा। खान पान में संयम आपको दिखेगा ना, नहीं इस चीज मुझे नहीं खाना है, ये मुझे नुकसान करता है, मुझे ये खाना है, हेल्दी फूड, केवल टेस्टी नहीं। मैं एक बहुत देखो, मैं कोई चिकित्सक नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आप स्वस्थ भोजन करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। पहले सुने कि नहीं सुने हैं, सुने होंगे, पहला सुख सबको याद है, सही है। अच्छा, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए ये भी जानते हैं, सुबह जल्दी उठ करके मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। अच्छा, कितने लोग करते हैं सुबह? देखो कुछ लोग हैं, 5% ही है, 5 भी नहीं। रोज योगा करना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, सुने हैं? अच्छा, खाते हैं कि नहीं खाते हैं? आप इतना ही कर सको, कुदरती भोजन जिससे आपको शक्ति मिले, वो पैकेट वाला फूड है ना, जितनी कंपनी वाले, मैं आपको सच बताऊं, वो जो कंपनी वाले जितना पैकिंग करके भेजते हैं ना, आजकल जो कुरकुरे मुरमुरे और बहुत सारी बिस्कुट और क्या क्या, एक काम कर सको उसको बंद कर दो अपने जीवन से, वो पैकिंग को पैकिंग ही रहने दो, खोलो मत, न खुद न बच्चों को। रिफाइंड फूड से बचो, कम से कम मोटा मोटा दिखे। मैंने पढ़ा है कि आप अपने आप को सबसे बढ़िया तोहफा क्या दे सकते हैं, खुद को देने वाला सबसे बेस्ट तोहफा क्या है, सुंदर स्वास्थ्य। सोचो जरा से, है कि नहीं है? आप सुंदर कपड़ा दे दिए और भीतर से बीमार हैं, खुद को देने वाला तोहफा क्या है, सबसे बढ़िया तोहफा सुंदर स्वास्थ्य। ध्यान रखो,
बहुत तेल मिर्च मसाला एवॉइड करो, सादा भोजन, फ्रूट्स खाओ। क्यों ये कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं आप? तमाम पैकेट में आता है ना, बहुत सारे पीते हैं उसके लिए, नहीं मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, मुझे वो चाहिए फ्रूटी चाहिए। महादेव और रामदेव बाबा इत्यादि क्या कहते हैं, वो टॉयलेट क्लीनर है, देख लेना जा करके साफ कर सकते हो उसमें। इतनी गलत चीज़ें केवल केमिकल्स होते हैं। आपको रस पीना ही है तो आप घर में बना लो ना, फलों के रस पी लो, कोकोनट वाटर पी लो, क्यों उन सब चीज़ों को पी रहे हो? घर जो घर का बना भोजन हमेशा ध्यान रखो, घर का साफ पाक घर में बना है वो पवित्रता है। होटल में बना भोजन, कंपनी में भोजन बना, पैसे के लिए बना, उद्देश्य ही देखो, पैसा कमाना, पैसा। और इसीलिए उस प्रकार के भोजन करने वालों के मन में हाय पैसा, हाय पैसा, वो पैसा क्योंकि खाद डाल रहे हो ना, जैसा भोजन जैसा अन्न, बिल्कुल सीधी सी बात है। वो पैसा कमाने के लिए भोजन बन रहा है, इस इंटेंशन को देखो जरा से, किसके लिए बना रहा है? पैसा मिले, पैसा मिले, ऐसा भोजन बनाओ कि पैसा मिले। और भोजन गया, किस उद्देश्य से बनाया गया है? पैसा। अच्छा अंदर गया, आपको भी करेंगे पैसा पैसा पैसा, सही है? आप ध्यान दीजिए। और आप अपने बेटे के लिए कैसा बनाती हैं? रोज तो वो खाता था तीन रोटी। अच्छा मान लो कोई आपने किसी नौकर को रखा, अब वो जानता है कि तीन रोटी खाता है कह करके, फिर आप उसने क्या कहा कि आज मुझे एक रोटी और चाहिए, और सब कुछ समेट रहा था, उसने कहा आज तो कैसे खा रहा है ये, फिर वो नाक भाव कितना सिकोड़ेगा बनाने में, एक रोटी और बनाने में बहुत भुनभुनाएगा। लेकिन आपको कह दिया बच्चे ने, माँ एक रोटी और, कितना प्रेम से बनाएंगे, इंटेंशन देख रहे हो ना, भावना कितनी, एक गलत भावना डिस्पेच कर रहे हैं, प्रेषित कर रहे हैं, और एक सही भावना, भोजन सही हो। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? वो है आपस के रिश्ते, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्या है? आपस का संबंध, इस पर ध्यान दो, सभी ध्यान दो। बाहर की घर में मिली असफलता बाहर किसी भी सफलता से पूरी नहीं हो सकती है, ये ध्यान दो। घर में मिली असफलता बाहर किसी भी सफलता से पूरी नहीं होती है। और मनुष्यों को जोड़ने वाला जो है, जैसे ईंटों को जोड़ने वाला, जब आप दीवार बनाते हैं ईंटों को जोड़ने वाला गारा, वो क्या है? बालू और सीमेंट का गारा होता है। ऐसे ही मनुष्यों को जोड़ने वाला यदि गारा है, वह क्या है? प्रेम और विश्वास, प्रेम और विश्वास, आपस का प्रेम। प्रेम बहुत जरूरी है, यही जोड़े रखता है। और सीमेंट कमजोर हो जाता है, ईंटें बिखरने लगती है। प्रेम जब कमजोर हो जाता है ना, तो क्या होता है? मनुष्य बिखरने लगते हैं। साथ साथ रहते हैं भाई भाई, एक दिन एक भाई ने कहा भैया मैं अलग रहूँगा। क्यों? रोटी नहीं मिल रही है, कपड़े नहीं मिल रहे हैं, रहने की जगह नहीं है। नहीं, प्रेम कम हो गया। और ये इसी प्रकार से है जैसे पौधा, पौधे को आप सींचते जाते हैं, पौधा हरा भरा रहता है और फूलता और फलता है। जैसे पौधे को सींचना बंद किए, पौधा कुमलाने लगता है, मुरझाने लगता है। प्रेम को भी सींचना पड़ता है। जिस दिन आप प्रेम को सींचना बंद कर देते हैं, प्रेम मुरझाने लगता है, कुमलाने लगता है, सींचना पड़ता है। ध्यान दो, सींचना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक बार संबंध बना लिए, शादी हो गई, हो गया काम। नहीं भाई, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। किसी से मित्र बना लिए, सींचना सींचना पड़ता है। नहीं सींचोगे तो कुम्हलाएगा। अच्छा कैसे पता चलेगा कुम्हला रहा है? कैसे पता चलेगा? अच्छा प्रेम है क्या? देखो कैसे पता चलेगा कि ये कुम्हला रहा है? मैं बताता हूँ। देखो जीवन हमेशा इंडिकेट करता है, संकेत भेजता है। उस संकेत को पढ़ना सीख, जैसे आपकी गाड़ी में इंडिकेटर लगाए होते ना, आप जानते हैं फ्यूल खत्म हो रहा है, स्पीड इतनी है, टेम्परेचर कितना है, इंडिकेट करता है सब। ऐसे ही जीवन इंडिकेट करता है। प्रेम कब मुरझा रहा है? जब आपस की हंसी चली जाती है, आपस की बातचीत कम हो जाती है, या फिर बहुत कम हो जाती है। संकेत दे रहा है
प्रेम मुरझा रहा है। अब क्या करना है? प्रेम को सींचो, पुनर्स्थापित करो। जब आपस में बैठ करके हंस हंस कर बातें करते हो, पति पत्नी, भाई भाई, पिता पुत्र, परिवार में सास बहू बैठते हैं और खूब बातें चलती, हंस हंस के बातें चलती है, विषय खत्म ही नहीं होता, वार्ता का विषय खत्म ही नहीं होता है, और लगता अच्छा इतना समय बीत गया। आप ख्याल करिए, जिनसे आपका बहुत प्रेम है उनसे बात करते समय समय का पता चलता है, और जिसके साथ में तनावपूर्ण, चाहे वो पति पत्नी का तनाव हो, कैसा लगेगा? बहुत से कर्मचारी, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने घर में देर से आते हैं, समझ रहे हैं ना, और जल्दी निकल जाते हैं। क्यों? कम से कम रहना पड़े घर में, क्योंकि जब तक रहेंगे लड़ाई झगड़ा होना है, लड़ाई झगड़ा होना है। कैसा जीवन है वो, कैसा जीवन है, कौन बनाएगा इस चीज को? प्रेम को सींचो। सींचने का मतलब क्या है, जरा समझे इस चीज को, कैसे सींचना है? सींचने का मतलब है आप ऐसा कुछ करें जिससे सामने वालों को, वाले को महसूस हो कि मेरा रहना, मेरा साथ इनको पसंद है। कुछ दे करके, कुछ करके, कुछ प्रशंसा करके, कुछ भी उनके पास समय बिता करके, उनसे बातचीत करके, वादा किए निभाए, समझ रहे हैं? वादा किए निभाए, ये क्या है? यही है सींचना। उनके अच्छे कामों की प्रशंसा, ये है सींचना। उनकी गलतियों को क्षमा कर देना, ये है सींचना। एक चीज बताऊं मैं, भावनात्मक अकाउंट, अकाउंट समझ रहे हैं ना, सब समझते हैं, सेविंग अकाउंट। थोड़ा सा 3 बजने ही वाले हैं, देर से शुरू किए हैं, थोड़ी देर विलंब चलेगा। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ, कितना महत्वपूर्ण है ये। भावनात्मक अकाउंट को समझें, जो आप जमा करते हैं, जो आप जमा करते हैं वही आप निकालते हैं। भावनाओं का अकाउंट होता है वो। डिपॉजिट क्या होता है, मैंने कहा ना ये सब डिपॉजिट हैं, सब डिपॉजिट हैं। आप उनसे बहुत प्रेमपूर्ण वार्ता करते हैं, उसको आप समय दे, देखो सबके लिए समय देना पड़ेगा, पत्नी के लिए समय देना पड़ेगा, बच्चे के लिए समय देना पड़ेगा, माता पिता के लिए समय देना पड़ेगा। देखो आप कपड़े देते हैं, रुपये देते हैं, वस्तुएँ देते हैं, भोजन देते हैं, मैं क्या बताऊँ, ये बिल्कुल अलग चीज़ है भाई, ये बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन आप उनके साथ बैठकर जो देते हैं, देखिए आप कोई वस्तु देते हैं ना, आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देते हैं, सही है ना? लेकिन जब आप उनको समय देते हैं, फिजिकली समय देते हैं, तो आप अपने जीवन को देते हैं, ये ध्यान दो। क्यों? आपका जीवन वहां बैठा है, आप अपने को दिए हैं समय दे करके। और यदि आपको समय ही नहीं है बच्चों के साथ बैठने का, उनके साथ भोजन करने का, पत्नी के साथ बैठ करके वार्ता करने का समय नहीं है, कैसे होगा? प्रशंसा कभी वो अच्छा किया? आप लोग से मैं पूछूं, ये रोज अच्छा भोजन बनाती हैं घर की देवियां, प्रशंसा निकलता है? नहीं, कभी नहीं। लेकिन जब भोजन में कोई त्रुटि हो गई, नमक ज़्यादा हो गया, कम हो गया, मिर्चा मंतर पड़ गया, कुछ जल गया, तब आपकी डांट जरूर शुरू हो जाती है, सही है कि नहीं? मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जब आप किसी के अच्छे कामों की प्रशंसा नहीं कर सकते, नहीं किए हैं, तो किसी की गलती पर डांटने का अधिकार ही नहीं है। क्या आपने जमा किया है, वो डिपॉजिट किया है? ऐसा नहीं कि आपने 50,000 का आपके सेविंग अकाउंट में आपने 75,000 का चेक काट दिया हो। जानते क्या होता है, सभी जानते हैं ना, क्लेम बनता है। आपने वो किया ही नहीं है उनके अच्छे कामों की प्रशंसा, और आज आप डांट रहे हैं, कैसे हो सकता है? आप क्या समझते हैं, शादी तो हो गई ना, पति पत्नी तो हो ही है, क्या उसको बताना कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ? हे भगवान, कभी नहीं समझेंगे इस चीज को आप। क्या उसको धन्यवाद देना, रास्ता में चलते हों एक रुमाल गिर गया और पीछे से कोई महिला आई, उसने कहा भाई साहब आपका रुमाल, आप क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच, धन्यवाद धन्यवाद, सही एक नहीं है?
अच्छा वो रुमाल कहीं घर में गिर जाए और आपकी श्रीमती दे दे, तब उस समय तो मुंह को लकवा मार जाता है। क्यों नहीं बोल रहे हैं, वहाँ क्या हो गया है, क्या है, उनका काम ही है। उफ, क्या हो गया बोलने में, यही तो सींचना है ना, यही तो सींचना है। रिश्तों को सींचना पड़ता है, मैंने कहा ना समय देना पड़ता है उनको, उनके पास बैठना पड़ता है, उनको सुनना पड़ता है, उनके साथ बैठ करके कुछ सहयोग भी करना पड़ता है, कभी साथ लेकर के बाहर जाना पड़ता है, तब जा करके वो संबंध में मधुरता आती है, प्रेम पनपता है। इस चीज को ध्यान रखें। एक उदाहरण दूं, एक छोटा सा बच्चा था, प्रतीक्षा कर रहा था कि पिताजी कब आएंगे, देर में आए, आए तो बस बैठे तो छोटे बच्चे ने क्या कहा, पापा ये बताइए कि एक घंटे में कितने रुपये कमाते हैं। उसने कहा तुम्हें क्या मतलब है। उसने कहा पापा बता दो ना एक घंटे में कितने कमाते हो। अब तो पार डांटा, लेकिन फिर कहा, फिर बताना पड़ा छोटे बच्चे की मनुहार, उनको स्वीकारना पड़ा। उसने कहा कि जो बताया हो, उसने कहा मान लो 200 रुपये कमाता हूँ। उसने क्या कहा, पापा 100 रुपये मुझे दे दो। क्यों, सारी चीज़ें तो मैं ला के दे दूँ, तुम पैसे को क्या करोगे, नहीं मिलने वाला है, भगो यहाँ से। चला गया बच्चा, ये कुछ पढ़ने लगा, और कुछ देर के बाद फिर क्या होता है, आया, अरे बच्चा पैसा मांग रहा था, क्या बात है, गया तो जाग रहा था, कह बेटा तुम पैसे के लिए कह रहे थे, पापा दे दो ना 100 रुपये। 100 रुपये निकाला, उसको दिया, और वो अपने तकिए के नीचे रखने लगा। इतने में क्या देखा उनके पिता ने, वहाँ 100 रुपये पहले से रखे हुए हैं। उसने कहा तुम्हारे पास तो पहले से ही 100 रुपये हैं, फिर क्यों मांग रहे थे 100 रुपये। उसने कहा पापा मेरे पास कम थे, अब पूरे 200 रुपये हो गए, ये 200 रुपये मैं आपको ही देने वाला हूँ, ताकि आप कल एक घंटा पहले आए और साथ साथ बैठ के भोजन करें। साथ साथ, समझ रहे हैं उसके दर्द को, क्या कभी वो डिप्रेस हो रहा है, स्कूल में कोई ऐसी बात पूछे हैं दिल से उनको, फिर से उनको कि सीने से लगा करके पूछे हैं। बच्चे छोटे होते, मैं देखिए आज तो मेरे पास अवसर नहीं कि बच्चों को संस्कार कैसे देना होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिश्तों को सही बनाने के लिए सही संस्कार देना बहुत जरूरी है। अभी छोटे हैं बच्चे, आपकी गोद में मैं देखा 5-6 साल का बच्चा था, 6-7 साल हुआ रहा होगा, अपनी मम्मी गोद में आगे बैठ गए, मैं भी बैठे सामने बैठा था, मम्मी थोड़ा सी नाराजगी के, उसको चेहरा देख के लगा कि बहुत ना, मैंने कहा नाराज क्यों होती है, कुछ ही दिन तो बैठेगा बेचारा ये, और कुछ ही दिन आप बैठा पाओगी, ज़्यादा नहीं, कुछ दिन के बाद में न तो बैठेगा न बैठा पाओगी। किसी भी बच्चे को पालने का अवसर एक बार मिलता है, क्या आपने अपने दायित्व का निर्वाह किया है सही ढंग से। ऐसा तो नहीं केवल माँ बच्चे पैदा कर देने से कोई माँ नहीं हो जाती है, पिता नहीं हो जाता है, क्या आपने मातृत्व को उद्घाटित किया है जीवन में। जैसे गुरु किसी को दीक्षा दे दे, उससे गुरु हो गया क्या वो, क्या गुरुत्व का उद्घाटन हुआ है, क्या आपने मातृत्व का उद्घाटन किया है, क्या आपने पितृत्व का उद्घाटन किया है, और नहीं तो आप सही दायित्व तो नहीं निभा पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर डांट फटकार मार पीट यही तो करेंगे, संस्कार कहाँ दे पा रहे हैं आप। अपने बच्चों को कार दो कि मत दो, संस्कार सही दो, संस्कार सही दो। और मैंने सुना है कि बच्चों को खिलौना न दो तो कुछ देर तक रोएगा, लेकिन संस्कार न दो तो जीवन भर रोएगा। ये संस्कार देना जिम्मेदारी आपकी है। माँ वह है जो हमें जीना सिखाती है, इसलिए अब ये विस्तार हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिश्तों में मधुरता, गलती हो जाती है, गलतियाँ हो जाती हैं तो क्या करना है, देखिए कैसे होता है ये, गलतियाँ सबसे होती, आप सबसे भी मनुष्यों से गलती हो जाती है। अपनी गलती हो जाने पर हम क्या चाहते हैं, क्षमा, सीधी सी बात है कि मेरी गलती को लोग क्षमा कर दें। दूसरा भी तो चाह रहा है, हमें क्या करना है, दूसरों की गलती पर क्षमा करनी है, और अपनी गलती पर एक चीज जीवन में ले आओ, अपनी गलती पर क्षमा मांग लो, बिना किसी प्रकार बहाना के, बिना किसी प्रकार सफाई के, गलती हो गई क्षमा मांग लो, दूसरे की गलती को क्षमा कर दो, देखो रिश्ते कैसे होंगे। आप अपने शब्दों को ध्यान रखिए, मैंने कहा था ना आपके विचार, आपके शब्द, आपके क्रियाकलाप कैसे हैं वो बना रहा है। यदि आप शब्द कटु बोल रहे हैं
बस वो खराब होने चला गया है। आप अभी भी आपके शब्द मुंह से निकल रहे हैं, कड़वे शब्द निकल रहे हैं, कटु निकल रहे हैं, गाली तक, उफ क्या बताऊं। शब्दकोश में 1.5 लाख के लगभग शब्द होते, केवल हिंदी बता रहा हूं मैं, और की बातें अलग। उस सारे शब्दों को छोड़ करके आपने गाली का चुनाव किया, कैसा अंतर से बताओ। मैंने पढ़ा आपके मुंह से कड़वे बोल निकलते हैं, आपका मन कैसा होगा, क्योंकि भीतर से गाली किसी को देना है तो पहले गाली पैदा करनी होगी, किसी के लिए नफरत करना है तो पहले नफरत पैदा करनी होती है, द्वेष के लिए पैदा करना होता है। आप पहले द्वेषी हो गए, द्वेष में जी रहे हैं, नफरत में जी रहे हैं, घृणा से जी रहे हैं, पत्नी के प्रति द्वेष, पत्नी के प्रति घृणा का भाव, नफरत का भाव, आप वस्तु दे रहे हैं, क्या होगा सोचो तो सही। आप अच्छी से अच्छी साड़ी दो, गहने भी दे दो, लेकिन उनके प्रति दुर्भावना है, ये कपड़े काम नहीं आएंगे, जान लीजिए आप काम नहीं आएंगे। क्या काम आएंगे, आपकी भावना कैसी है, आप उसके विषय में सोचते कैसे हैं। यदि आपके मन में उनके प्रति बहुत प्रेम और हित का भाव है, अच्छा प्रेम कहते किसे, जरा इसको भी समझ लें, प्रेम कहते किसे, क्या यही है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, यही कहना प्रेम करना है। अभी तक तो हमने समझा ही नहीं परिभाषा। क्या कबीर साहब जी ने जो कहा है, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, क्या वो युवक और युवतियों का प्रेम है, किसी के आकर्षण, दैहिक कुछ रंग रूप को देख करके, कुछ शब्दों को सुन करके आकर्षित होकर के मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, क्या है प्रेम। प्रेम का मतलब है दूसरे के हित की चिंता, दूसरे के हित की चिंता। जरा इसको समझे, पत्नी चिंता करती है, ये सोचती है मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा कौन सा व्यवहार करूं अपने कि अपने पति को मैं अधिक से अधिक आराम दे सकूं, अधिक से अधिक प्रसन्न कर सकूं। ऐसे ही पति सोच रहा है, मैं ऐसा कौन सा काम करूं, ऐसा कौन सा व्यवहार करूं जिससे मेरी पत्नी अधिक से अधिक प्रसन्न रहे और अधिक से अधिक आराम मिले। हित की चिंता, पत्नी की हित की चिंता, पति की हित की चिंता, पिता की, पुत्र की, सास की, बहू की, ये जो हित की चिंता कर रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रेम की धारा बह रही है, बह रही है। आपस में हंस हंस के बातें कर रहे हैं, खूब बातें हो रही है, प्रेम की धारा बह रही है। ये काम आपको करना पड़ेगा। बहुत सारा धन सुख नहीं देने वाला है, बहुत बड़ा मकान सुख नहीं देने वाला है, वस्तु का महत्व तो नहीं है, व्यक्ति का महत्व है। आपके हाथ से वस्तु टूट भी गई, किसी के हाथ से खराब हो गई, फिर से खरीद लाओगे भाई, लेकिन किसी के दिल को तोड़ दिए, किसी को आपने इतना जोर से डांटा, क्या होगा। किसी से वस्तु गिर गई मान लो, ख्याल करो, वो तो वैसे ही आहत है, अपनी गलती से उनको ऐसे ही वो आधा मरा हुआ है, और आप जाके उस पर प्रहार कर रहे हैं, आपके प्रति अच्छी भावना होगी उनकी, लेकिन आपने क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं। समझ रहे हैं क्या होने वाला है, आपके प्रति उनकी भावना कैसी होगी, जरा सोचे तो सही। आप खुद ही अपने लिए अत्याचार करते हैं, और वो जो भीतर अत्याचार करते हैं ना, वो दूसरों के साथ भी करते हैं। आप स्वयं अपने जीवन को बिगाड़ते हैं, फिर दूसरों के जीवन को बिगाड़ने में लगते हैं, भीतर में द्वेष और नफरत भरते हैं, ईर्ष्या भरते हैं, उसके बाद में उसी को हम बाहर प्रक्षेपित करते हैं। आप जैसा सोचते हैं वही तो आप इंसान हैं। कैसे सोचते हैं आप, अच्छा सोचो, सही शब्दों का उच्चारण करो, सही कार्य करो, तब जीवन अच्छा। रिश्ते ऐसे ही मधुर होते, माता पिता के लिए समय दो, घर में बुजुर्ग हैं कम बड़ी बात है। वृद्धाश्रम में लोग जाते हैं सहयोग करने के लिए, वे लोग क्या कहते हैं, हमारे लिए सामान मत लाओ, बहुत सारा सामान है खाने पीने की और उपयोग की चीजें, यदि हमारे लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो तो एक काम करो, हमारे साथ बैठ करके बातचीत करो। उन वृद्धाश्रमों में उनके साथ बातचीत करने वाले नहीं है, और आपके घर में बुजुर्ग है, आप समझ रहे हैं उनके भीतर का भाव। आप बैठे माँ के पास, बैठे पिता के, कोई भी है, बैठे उनके पास में, उनके दुख सुख उसके अनुभव को सुनो, यूं ही बैठे कोई वार्ता ना हो तो। इतना कर सको कम से कम, घर से निकलते समय मैं काम में जा रहा हूं, घर से लौट कर मैं काम से आ गया, जानते हो क्या होगा, केवल इतना कह के जाना कि माँ मैं काम में जा रहा हूं,
दिन भर याद रखेगी वो, मेरा बेटा मुझे बता कर गया है, और ये उसके लिए टानिक है, टानिक समझ लीजिए, जब आके बताते हैं। लेकिन वो भाव नहीं, किसे बनेगा काम? आभार और कृतज्ञता का भाव नहीं है उनके प्रति। बुजुर्गों का सही सम्मान हो, माँ है, पिता है, दादा है, दादी है, सास है, ससुर है, सही सम्मान होना चाहिए। एक उदाहरण ख्याल आया, एक संत बहुत ही आग्रह पूर्वक एक आदमी ने अपने घर ले जाने के लिए कहा। अलग मकान बनाया था, बहुत बिल्डर था, बहुत मकान बनाने वाला, बहुत ही कई करोड़ रुपये लगा, 6-7 करोड़ रुपये लगाकर अपने लिए मकान बनाया था। कहा महाराज जी आप चलिए, वहाँ चलना है आपको। ठीक है भाई, चले गए वो। तो क्या हुआ, उस मकान का क्या नाम रखा था? मातृछाया। कितनी अच्छी बात है ना, मातृछाया मकान का नाम। गए अंदर में, फिर और सब बातें हुई, जो भी उनको पूजा वगैरह जो भी करना चाहिए, महाराज जी की सेवा पूजा हुई, बैठे, और महाराज जी ने कहा कि मेरी आंखें ढूंढ रही थी कुछ, चारों तरफ देखें, भाई आपकी माँ नहीं दिखती है। कहा महाराज ऐसा है ना, वो गांव में रहती है। अच्छा, गांव में क्यों रहती है? तब क्या कहा, इनसे नहीं बनती है। समझ रहे हैं ना, इनसे नहीं मतलब, समझ रहे हैं ना, इनसे नहीं बनती है। चले जाते हैं कभी कभी मिलने, चले जाते हैं महीना में एक दो बार, चले जाते हैं गाड़ी लेकर, सब मिलजुल के आ जाते हैं। अच्छा, गाँव में रहती है? हाँ वहीं रहती है, उनको वहीं अच्छा लगता है, यही तो कहना पड़ता है ना, वहीं अच्छा लगता है। उसने कहा ठीक है भाई, आपका जीवन है, मैं तो किसी से कहता नहीं हूँ। बाहर निकले, फिर उनके मन में हो कि कुछ तो कहना है। उसने कहा भैया मकान बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी अच्छे लगे, लेकिन जो नाम लिखे हो ना मकान का, उसको थोड़ा बदल दीजिए। क्यों महाराज? मातृछाया कितनी अच्छी बात है। नहीं नहीं, उसको नाम क्या बदल दो? पत्नी छाया। क्या रख दो? पत्नी छाया। क्यों? इसलिए क्योंकि जिस मकान में माँ की छाया ही नहीं पड़ती हो, उसकी छाया रखने का क्या मतलब है? जिसकी छाया पड़े उसका नाम रखो। कहने का मतलब है समय दो, सम्मान हो सही, तभी जा करके संबंध मधुर होंगे। और यहाँ जब संबंध मधुर होते हैं, और तभी आत्मा और परमात्मा की चर्चा भीतर प्रवेश भी करती है। समझ रहे हैं ना? आप सुबह उठे, रोज ध्यान करने का आपका नियम है, लेकिन उठते ही आप पति पत्नी लड़ गए, और समय है, चलो भाई ध्यान में बैठते हैं, किसकी याद आएगी मुझे बताओ? ये नखरा बनाने से काम नहीं चलने वाला है, ये ढोंग मत करो, असलियत को समझो। इस चीज को, मैं कपड़ा बदल लिया क्या मैं साधु हो गया? चित्त का परिवर्तन ये असली धर्म है, चित्त की शुद्धि। केवल कपड़ा बदलना, जटा रखना, जटा निकाल देना, चंदन लगाना, चंदन न लगाना, कुछ कर्म कांड, कुछ माला जप लेना, के यही धर्म है। चित्त की पवित्रता कितनी है, कितने नाम जपते हैं, कितनी बार आप तीर्थ करके आए हैं, कितनी नदियों में नहा के आए हैं, वो सब सेकेंडरी है। कितने भगवान की पूजा करते हैं, करो जितना करना है, मुझे कोई मनाही नहीं है, लेकिन भीतर भी परमात्मा बैठा है, क्या वहाँ की पवित्रता को बनाए रखे हैं? वो पवित्र करना बहुत जरूरी है, वो शुद्धि। और इसके लिए आपसे निवेदन है कि आप काम करें। तो मैं कह रहा था पारिवारिक प्रेम, ये बहुत बड़ा विषय है, इस विषय पर तो अलग से ही इतना पूरा सत्र होना चाहिए, जो पारिवारिक प्रेम। दो और बचे हैं, और दो, तीसरा तो सब जानते ही हैं, आर्थिक स्वतंत्रता। इतना धन आपके पास हो जिससे आप अपने और अपने परिवार का सही पालन पोषण कर सके। जब एक चीज बताऊं मैं, जब आपका बेटा काम कमा सके खुद अपने पैरों पर, तभी उनकी शादी करो, नहीं तो क्या होगा, एक तो बेटा का बोझ धो रहा है, फिर बहू आ जाएगी, कुछ दिन बच्चे आ जाएंगे, कुछ अकल है कि नहीं है? कुछ तो समझो इस चीज को। यदि आप अपने घर के लिए, पत्नी और बच्चों के लिए, माता पिता के लिए काम करने की शक्ति नहीं, तो शादी ही मत करो ना, सीधी सी बात है। इतनी मेहनत कर लो, इतना धन अवश्य कमाओ कि आपको ये सोचना ना पड़े कि भोजन क्या करूं, कपड़े कहाँ से पाऊं, बच्चों के लिए फीस कहाँ से लाऊं। क्यों क्यों इतने नकम्मा बने रहेंगे आप? अवश्य धन कमाओ। गरीब घर में पैदा हुए ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब होके मरते हैं ना, ये आपकी गलती है, क्योंकि अवसर है। आज जितना अवसर है इस दुनिया में, इतना अवसर पहले कभी नहीं था। संभावना बहुत है,
कोई भी छोटा से छोटा, आप कहें मैं पढ़ा लिखा हूं, क्यों गुब्बारा नहीं बेच सकते हैं? रोड पर खड़े होकर के फल नहीं बेच सकते हैं? हाथी, आज आप बीए हो गए, ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, तो हाथी घोड़ा हो गए? काम छोटा, काम छोटा, काम कोई काम, काम कोई छोटा होता है? पैसा कमाना सीखो, स्वयं धन शांति का विरोधी नहीं है, इस चीज को समझो आप, वो माध्यम है केवल। ना धन से शांति मिलेगी, ना वो शांति का विरोध करेगा। धन आपके जीवन की व्यवस्था के लिए है, लेकिन जीवन ही को ठीक से व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे उसके लिए क्या कर पाएंगे, आगे कैसे कर पाएंगे? ओवरफ्लोइंग, जीवन का मतलब ओवरफ्लोइंग हो। केवल जीना मात्र जीवन नहीं है कि केवल कमाओ खाओ जियो। जैसे एक पौधा, उसको इतनी खुराक मिल रही है जिससे उसके पत्ते और डालियां तृप्त रहती हैं, बस उतनी खुराक नहीं है कि उसमें फूल निकले। अब इतनी खुराक मिल रही, उसकी इतनी खुराक मिल रही है कि अब वो पौधे तृप्त हैं। अब वहीं से ओवरफ्लोइंग, ओवरफ्लो हो रहा है, क्या फूल के रूप में, फल के रूप में। ऐसे ही जब इस काम जो है पारिवारिक पूर्ण हो गया है, जिसकी कोई चिंता नहीं है, अब ध्यान, अब आनंद, अब शांति, उसके लिए ध्यान दो। इस निश्चिंतता, निश्चिंतता जब होगी तब आप शांति का अनुभव कर पाएंगे, आनंद का अनुभव कर पाएंगे। इसलिए पर्याप्त धन कमाओ। और अंतिम बात देखिए, मैं इसको विस्तार से नहीं करूँगा, जब स्टूडेंट से मिलते हैं तो मैं बात तो करता हूँ कि कैसे धन कमाना है, लेकिन अभी वो विषय नहीं ज़्यादा विस्तार करने की। अंतिम बात है गहरी शांति, उस सत्य का अनुभव करना, शांत मन वाला हो जाना। रोज अपने लिए समय निकालो, निजी जीवन खुद के लिए समय निकालो। मैंने कहा ना, परिवार के लिए निकालो, व्यवसाय के लिए निकालो, समाज के लिए निकालो, लेकिन प्रथम उत्तम पुरुष स्वयं, स्वयं खुद के लिए, खुद के लिए समय निकालो। और वहीं पर जीवन का निर्माण करना होता है। जो आप बनना चाहते हैं, जो आप होना चाहते हैं, जो आप महसूस करना चाहते हैं, अकेले में अभ्यास करो। शांति चाहते हैं, अभ्यास करो। मौन चाहते हैं, अभ्यास करो। प्रेम चाहते हैं, अभ्यास करो। अच्छा पिता बनना चाहते हैं, अभ्यास करो। प्रैक्टिस कब? अकेले में। कोई भी अच्छा काम हुआ है, बेस्ट काम, जो सबसे बढ़िया काम हुआ है, भीड़ से नहीं हुआ है, ये समझ लो आप। भीड़ में नहीं होता है, भीड़ में तो हिंसा हो जाती है, भीड़ में बवाल होता है, लेकिन सत्य का अनुभव भीड़ में नहीं, अकेले में। जिसने भी सत्य का अनुभव किया है, कहाँ किया है? अकेले में। जिसने भी वैज्ञानिक आविष्कार किया है, कोई भी आविष्कार, भीड़ में नहीं, अकेले में। जिसके कंठ से कविता निकली है, अकेले में। कोई सुंदर लेख लिखा, अकेले में। आपको भी भीतर अपने आप से मिलना हो, आत्म साधना करनी हो, अकेले में। रोज समय निकालो, मेरा निवेदन है, रोज समय निकालो अकेले के लिए। 23 घंटे जो आप काम करके अर्जित करते हैं, उसे आपको यहीं छोड़कर जाना होगा, समझ रहे हैं? लेकिन एक घंटे में जो भीतर अपना कमाई कर लेंगे ना, वो साथ जाएगा, वो साथ जाएगा। खालीपन, शांत और मौन हो जाओ, अकेले बैठो, रोज ध्यान, शांत। और क्या करना है? शांत, किसी के बारे में मत सोचो, किसी के बारे में, किसी के बारे में मतलब किसी नहीं ना, मैं कह रहा हूँ, ना वहाँ देवी देवता सोचो, क्यों? कल्पना करोगे ना, मन चलेगा वहाँ पर, ऐसा नक्शा, कोई धनुर्धारी सोचेगा, कोई बंसीधारी, कोई त्रिशूलधारी, कोई कुछ, कोई कुछ, काहे को सोच रहे हो? वहाँ आपकी प्रतिष्ठा नहीं होगी, आपकी अपने आप में होगी। सबको छोड़ना पड़ेगा और शांत होते चले जाना। रोज ध्यान, शुरू में कैसे करना है ध्यान के लिए? शुरू में बैठो, नहीं कुछ लग रहा है, सांस को देखना शुरू करो, सांस आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, मन को एकाग्र करो। और धीरे धीरे फिर विचारों का भी साक्षी बन जाओ, साक्षी, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शांत, पूर्ण मौन, अंदर से भी मौन हो जाओ, शांत हो जाओ। संबंधों में संघर्ष है, संबंधों में जुड़, यादों में जुड़ाव है, याद याद याद। क्या होता है अकेले बैठते हैं तब?
वही पुरानी बातें खींच खींच करके, वही बालक आगे की बातें कल्पना कर करके हम दुखी क्यों हैं? यदि पुरानी, अभी मैं बैठूं, आप लोग बैठे हैं, आपकी पुरानी यादों को बिल्कुल पोंछ दें और भविष्य की कल्पनाओं को खत्म कर दें, कौन सा दुख है बताइए मुझे? कोई दुख है? एक पंक्ति कहूं, जाही समय कछु याद नहीं ताही समय दुख कौन। जिस समय आप किसी की याद नहीं करते कौन सा दुख है? ध्यान वही है जब आप किसी की याद नहीं करते, और जब किसी की याद नहीं होती, जब कुछ नहीं चाहते हैं तो अपने आप की स्थिति होती है, उसी को आप कह सकते हैं आत्म स्थिति, उसी को कह सकते हैं परमात्मा स्थिति, वही कहो भगवान का मिलना, निर्वाण, जो भी आप नाम ले लीजिए। जिस समय आपका मन शांत और कुछ नहीं करने की दशा में आए, इसलिए रोज एक घंटा के लिए, आधा घंटा, जितना समय निकाल सको। अच्छा नहीं भी कर सकते तो क्या करना है बताता हूँ मैं, सरल से सरल उपाय भी बता दूँ, और जो आगे बढ़ना चाहते उसके लिए बताओ कि कम से कम सुबह आपने लिए टाइम निकाला आधे घंटे के, एक घंटे कुछ देर स्वाध्याय कर लो, अच्छी पुस्तकों की को पढ़ने की आदत बनाओ। मैं एक चीज़ पूछूं, यहाँ कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो स्कूल ही नहीं गए हैं? अच्छा 100% पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत खुशी हुई। लेकिन एक चीज़ और पूछूं, कितने लोग हैं जो रोज़ अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं, डेली ना, ईमानदारी से बताना। अच्छा रोज़ एक महीने में एक पुस्तक पढ़ने वाले कितने लोग हैं? हैं कुछ तो हैं, सही है ना। अच्छा इसमें से कितने लोग हैं जो साल भर में एक पुस्तक पढ़े हैं? अच्छा स्कूल की पढ़ाई छोड़ने के बाद पुस्तक पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? जैसे पढ़ाई खत्म होती है कसम खा लेते हैं अब मुझे पुस्तक पढ़ना ही नहीं है। क्यों? महापुरुषों ने जो अपने अनुभव लिखे हैं किस लिए लिखे हैं? कहाँ समय जाता है? मोबाइल में ना, मोबाइल एडिक्शन, ये तो अलग ही विषय है। मोबाइल एडिक्शन ये शराब से भी बढ़ के है, शराब से भी बढ़कर है आपका। शराब तो आप कभी कभी लोग पीते हैं, और मोबाइल, सुबह नींद खुली किसकी प्रार्थना? अच्छा रात में सोते समय एक निवेदन करूं मैं, जीवन में जो 24 घंटे होते हैं ना, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा है? दो वक्त है, सुबह नींद खुली और जब आप नींद में जाते हैं तब। ये दोनों को भी संभाल लिया ना तो साधना शुरू हो जाएगी आपकी। सुबह जैसे नींद खुले मोबाइल मत देखो, कम से कम घंटा भर के लिए बंद रहने दो उसको, मत देखो, होगा जो होना होगा। कोई दुनिया ऐसा नहीं कि फटी जा रही, टूट जा रही है, जो होना होगा हो जाएगा। सुबह ही अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, मैंने कहा था ना ऊर्जा, विचारों की ऊर्जा कहाँ भेजना है? लक्ष्य की ओर। मान लो आप साधना चाहते हैं, मैं शांति, शांत ध्यान। कोई चाहता है संबंध मधुर हो, सोचो आपस का प्रेम, बैठ करके सोच रहे हैं मेरे भीतर से सबके लिए प्रेम छलक रहा है, छलक रहा है, वाइब्रेशन जैसे यहाँ से निकलता है ना, धुआं उठ रहा था ना, उसी प्रकार से प्रेम इतना भर लो भीतर से सबके प्रति, प्रेम 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 मैत्री, और भावना करो यहाँ से प्रेम निकल करके बाहर जा रहा है, घर वालों में बाहर भी भावना करो, खूब भावना करो सबके प्रति प्रेम प्रेम मैत्री 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 मैत्री। दूसरों को प्रेम कब मिलेगा ये तो सेकेंडरी है, आपका दिल क्या होगा उस समय बताइए। लेकिन जब आप ये काम नहीं करते हैं तो क्या होता है? क्योंकि वो भरा है ना बहुत सारा कचरा, सुबह ही जैसे उठे कि मन का पहिया घूम गया, उसका राग द्वेष लड़ाई झगड़ा कहा सुनी याद आने लगते हैं, याद है कि नहीं है? वही सारी बातें रात में जो आपने देखा सुना कल तक के, वो सब एकदम भर 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 निकल रहा है। क्यों? आपने दिशा ही नहीं दी ना, सबसे बड़ी बात यही है, दिशा ही नहीं दिए उस चीज को, दिशा दो दो बस। सुबह उठे शुरू कहाँ, जान बूझ करके, जीवन को आपको जान बूझ करके सुंदर बनाना पड़ता है, खराब तो अपने आप हो जाता है, ये खराब अपने आप हो जाता है, सुंदर अपने आप नहीं होता है। आपका मकान अपने आप गंदा हो जाता है, अपने आप साफ नहीं होता है। कपड़े अपने आप गंदे हो जाते हैं, शरीर अपने आप गंदा हो जाता है, अपने आप साफ करना पड़ता है। ऐसे ही हमारा चित्त भी हो जाता है, घटनाएं घटती हैं, लोग व्यवहार करते हैं, अपने से हो जाता, कुछ तो आ जाता है कचरा, साफ करो, रोज झाड़ू लगाओ, सुबह उठो शान, सबके प्रति प्रेम और मैत्री का। और नहीं तो फिर क्या होगा? नफरत और द्वेष, घृणा, किसी की याद आई उसने ऐसा किया, उफ
जानते हो कितना नुकसान कर रहे हो उस समय, आप भयंकर नुकसान कर रहे हैं। दूसरों का नुकसान आप सोच रहे हैं, उनका ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वो हो जाए, कब होगा वो अलग है, आपका पहले होता है। मैं एक उदाहरण बताऊं, इतना बड़ा बर्तन आप ले लें और उस बर्तन में आप कोयले का जलता हुआ अंगारा भर दें, पहली आंच किसको लगेगी? किसको लगेगी? उसी बर्तन को, फिर बाद में दूसरे को, सही है ना। दूसरी बात, उसको हटा दीजिए, हटा करके क्या करें, फ्रीज से बर्फ निकाल लें, बर्फ, और बर्फ से उस बर्तन को भर दें, पहली शीतलता किसको मिलेगी? बर्तन को, फिर दूसरों को। आपके भीतर में आग है कि बर्फ है? अच्छे विचार हैं, पवित्र विचार हैं, वो आपको शीतलता देने वाली है, दूसरों को भी। आपके भीतर शीतलता, आपके भीतर प्रेम और मैत्री और क्षमा का भाव, सहयोग और करुणा का भाव है, वो प्रकट होगा, शब्दों से प्रकट होगा, चेहरे से प्रकट होगा, आंखों से प्रकट होगा, हर एक्टिविटीज में। और नफरत और क्रोध भी, द्वेष भी आपके हर एक्टिविटीज से प्रकट होने लगता है। मैं बताऊं, आप जब बोलते हैं तब तो बोलते हैं, और नहीं बोलते हैं तब बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? एक है वर्बल लैंग्वेज और दूसरा है बॉडी लैंग्वेज। अच्छा एक चीज पूछूं, आंखें बोलती कि नहीं बोलती है? अब तो समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना। चेहरा बोलता है कि नहीं बोलता है? मैं बताऊं, आपका हेयर स्टाइल भी बोलता है, आपके कपड़े भी बोलते हैं, और आपका मकान भी बोलता है। क्यों? आपका मकान बड़ा शरीर है और आपका शरीर छोटा मकान है, इतना ही तो अंतर है ना। आप किसी के घर में गए, हम किसी के घर में गए, वहाँ देखे धूल कचड़ा, अस्त व्यस्त सामान, कहीं पर चप्पल पड़ी है, कहीं जूता टंगा, कहीं कपड़े हैं, कहीं डंडा है, कहीं छाता है, बर्तन, किचन में गए मक्खियाँ भिनक रही हैं, बाथरूम गए उफ पेशाब भी जाने का मन नहीं कर रहा है, क्या लगेगा वहाँ जा करके? क्या संदेश दे रहा है मकान? मकान बोल रहा है ना, इस घर वालों को गंदगी से परहेज नहीं है, सही है ना। लेकिन किसी के घर गए, मकान साफ, बच्चे साफ, सामान बिल्कुल सिस्टम से रखे हुए हैं, किचन गए नीट एंड क्लीन, बर्तन साफ सिस्टम से रखे ना, मर मसाला जो मसाला वगैरह रखे ना वो भी बिल्कुल सुंदर सजा करके, कहीं झाला झंकार नहीं, बाथरूम में गए साफ, कोई जाला नहीं। आप रहते हैं ना, आप ही तो उपयोग कर रहे हैं, कैसा रखें अपना मकान, कैसा बिस्तर आप रखे हैं, कपड़े कैसे रखे हैं, आप अंतस से कैसे, सब बता रहा है, सब बता रहा है। इसलिए वो सारी चीजें अंदर से निकलती, अंदर से, हमेशा ध्यान रखो, जीवन अंदर से बाहर प्रकट होता है, बाहर से भीतर जीवन नहीं आता है। आप प्रकट हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, आपका किसी भांति हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते, इसी से हम अपने आप को निर्मित करते हैं, हम प्रकट होते हैं, बताते हैं लोगों को मैं ऐसा हूं। आपका पहनावा बताता है, आप ही तो चुनाव किए हैं कपड़े का, कैसा कपड़ा चुनाव किए, सौम्य और शालीन कैसे किए, या लोगों को दिखाने के लिए, रिझावा के लिए आप हैं, उसके लिए कैसा है, कैसा आपने हेयर स्टाइल बनाए हैं, कैसे किए हैं, किस प्रकार के सिनेमा देखते हैं, मोबाइल में किस चीज को चूज कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम देख रहे हैं, कौन चुनाव कर रहे हैं, आप ही तो, और उसी के साथ अपने जीवन को भी चुनाव कर, क्या खाते पीते हैं, किस भोजन को आप पसंद करते हैं, समझ रहे हैं इस चीज़ को, किन मित्रों के साथ बैठना पसंद आता है, किसके साथ अच्छा नहीं लगता है, आपको अच्छा है, कहाँ जाते हैं आप, ये सारी चीज़ें जीवन को निर्मित करती हैं और आप जीवन से बेखबर हैं। मेरा एक निवेदन है, जीवन को बर्बाद होने से बचाओ, बहुत मूल्यवान जीवन मिला है ये, बहुत मूल्यवान, और ये जीवन रोज चुक रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, जैसे घड़े में कोई छेद हो, एक एक बूंद पानी टपके, हमारा जीवन प्रति श्वास खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, अवसर है, आज अवसर है। लेकिन जब मरणासन्न में होंगे, मौत के समय, चारों तरफ लोग खड़े रहेंगे, कहेंगे कुछ देर का मेहमान और है, मेरे मन की दशा कैसी होनी चाहिए, क्या मुझे लगेगा मैं जिसके लिए आया खुश हूँ, मैंने अपना काम कर लिया, मैं पूर्ण हूँ, मैं जाने को तैयार हूँ, मैं खुश हूँ, सबके प्रति धन्यवाद और आभार का भाव है। एक यह, और दूसरा क्या बताऊं, मैं जीवन को सुंदर बना सकता था, अफसोस, मैं अमुक को क्षमा कर सकता था, क्षमा मांग सकता था, मैंने क्यों नहीं किया, एक है अफसोस भरा समापन और दूसरा है संतुष्टि भरा समापन। कैसा चाहते हैं
आज अवसर है, उस समय अवसर नहीं रहेगा। आज जैसा जीवन चाहते हैं उसके लिए काम शुरू कर दें, रोज समय निकालें अपने लिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने संबंधों के लिए अलग अलग समय निकालना पड़ेगा, समझ लीजिए। कोई बहुत सुंदर स्वास्थ्य वाला हो गया कोई जरूरी नहीं है, बहुत फिट बाल्टी बिल्डर है, लेकिन जरूरी कि संबंध भी अच्छे हों। किसी के संबंध अच्छे हों, हो सकता है धन कम हो, क्यों, वो भी ध्यान रखो। सब कुछ है लेकिन मन ही चल रहा है, बड़े कंपनी के मालिक हैं लेकिन बिना तनाव की गोली खाए, बिना बीपी शुगर की गोली खाए बिना जीवन ही नहीं चल रहा है। कैसा जीवन है ये गुलामी का जीवन है। ऐसा करो, सबके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव, शांत मन वाला बनो, तब जीवन की सार्थकता है। किसी को धन ज़्यादा मिल जाता है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं मिलता। किसी को संबंध अच्छे होते हैं तो फिर धन नहीं मिलता है। सब कुछ होता है, मन अशांत रहता है। मैंने क्या कहा, चारों चीज़ें चाहिए कि नहीं चाहिए, चारों चीज़ें, और इसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। कोई गिफ्ट में देने वाला नहीं है, नहीं है, इसलिए समय निकालें। अंतिम एक कहानी कहूँ और समापन करूँ। ये विषय ऐसे हैं ना, मैंने केवल सूत्र सूत्र ही बताए हैं अभी, क्योंकि रिश्तों की मधुरता के लिए अलग से सेशन चाहिए। कैसे, कहाँ से, विवाह से शुरुआत होती है गृहस्थी की, वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। कैसे संबंध होना चाहिए पति पत्नी का, फिर उसके बाद में बच्चे आए तब, फिर माता पिता, कैसे संबंध, कैसे मधुरता आनी चाहिए, फ्लो कैसे होना चाहिए, इन सारी चीज़ों की सही समझ। और इसी के लिए मैंने कहा अच्छी पुस्तकों को पढ़ने की आदत डालें। जो मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें पुस्तकें में हैं, और आजकल तो मोबाइल में अच्छे विचार भी आप सुन सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचार सुनने वाले हैं, लेकिन क्या देखते हैं मोबाइल में, जिंदगी क्या है बताऊँ, व्हाट्सएप और फेसबुक से बचा हुआ समय ही जिंदगी है। बर्बाद मत करो मोबाइल में, न बच्चों को जो मोबाइल देते हो ना, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है उससे मोबाइल दूर रखो, भयंकर नुकसान करने। अब तो 5G आने वाला है, पूरा जाल में फंसा रहे हैं हमको, और आप फंसते चले जा रहे हैं। इसलिए कम से कम सुबह उठे मोबाइल नहीं, रात में सोने के लिए चले मोबाइल पहले से बंद कर दो, टीवी पहले से बंद कर दो। क्यों, जो चीज़ आप इनपुट कर रहे हैं, मान लो आपने कोई सिनेमा देखता, मार पीट लड़ाई झगड़ा सब देख रहे हैं और वो सब अंदर भर रहे हैं। पता है जब आप भोजन करते हैं ना पेट में, तो पेट डाइजेस्ट करता है और उसी का रस बनता है, और मन में जो आपने डाला है ना, मन भी डाइजेस्ट करता है, उसका रस बनता है। और अंतिम रात का जो अंतिम विचार होता है, सुबह का पहला विचार होता है, नियम है। इसीलिए कहते हैं ध्यान करते हुए सो, अच्छी पुस्तकों को पढ़ करके सो, अच्छे विचार सुन करके सो, क्योंकि आप वहाँ पर अब सोने जा रहे हैं, और जो कुछ आप डाले रहेंगे वहाँ पर पचेगा, वो जीवन का निर्माण होता है। तो रात में सोने के पहले ये सब गैजेट्स बंद कर दो, सुबह उठ करके तुरंत अखबार मत पढ़ो, अखबार तो दोपहर पढ़ो, बहुत कम, नहीं के बराबर पढ़ो उस चीज़ को। टीवी भी देखना, समाचार क्या करोगे देख करके, खुद का समाचार जब पता है, अपना समाचार जानो, मुझे जीवन को सुंदर बनाना है बस, इस पर ध्यान दो। ये सब चीज़ों पर ध्यान देगा तो चारों चीज़ें जिसके बैलेंस में हो, मैंने एक शब्द कहूँ बैलेंसिंग विकास, जीवन का कैसे होना चाहिए, बैलेंसिंग विकास, डिसबैलेंस ना हो, ये मिला वो नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं है। एक विद्यार्थी था, अपने साथियों से कहा देखो भाई मेरे पास तो आज अवसर नहीं है, और परीक्षा तो फल भी आ गया है, और मेरा देखना किसमें किन विषयों पर कितने कितने नंबर मिले हैं, यदि कहीं देख के आना, और मैं कहीं माता पिता के साथ बैठा हूँ तो फिर कहीं एक विषय में फेल हो गया तो मत बता देना कि एक विषय में फेल हो गए कह करके। क्या कहना है, संकेत में, कोड वर्ड में क्या संकेत करना है, एक विषय में फेल हो गया तो वहीं से बस बोल देना जय श्री राम, मैं समझ जाऊँगा एक विषय में फेल हो गया। अच्छा मान लो दो विषय में फेल हो गया तो क्या कहना है, राधे श्याम, हाँ समझ गए भी ये दो विषय में फेल हो गया है। तो अच्छा मान लो तीन विषय में फेल हो गया तब क्या बताना है आपको, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, तो मैं समझ जाऊँगा तीन विषय में फेल हो गया बस। उन्हें कहा ठीक है, बच्चे गए लौट करके आए और सचमुच बैठे थे माता पिता के पास में, अब कैसे बताएं, बड़े पशुपेश में थे, तो ज़ोर से बच्चों ने चिल्लाया समस्त देवी देवताओं की जय हो, कोई भी ठीक नहीं, कोई भी ठीक नहीं,
सही है ना? आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं सभी विषयों में मेरिट में आए, अच्छे नंबरों से पास हो। और ये कौन करेगा? आप अपने जीवन के शिल्पकार हैं। आज से शुरू कर दें, सुबह मैं अपना समय अपने जीवन लक्ष्य को पाने में लगाऊंगा, रात में तो सोते समय सही चिंतन करते हुए सोऊंगा, सबके साथ सुंदर प्रेम और सबके प्रति देवी देवता का देवत्व का भाव रखूंगा। सबके भीतर वो देवी देवता, भगवान कहाँ अलग है, इन्हीं मनुष्यों में तो है। उन्हें देवी देवता नहीं मानकर मंदिर में जाकर देवी देवता मान रहे हैं। अरे पहले घर के लोगों को देवी देवता मानना शुरू करो। अभी तो आप पूछ के आए दुर्गा मैया की, बस तुम्हें माता चा पिता तुम्हें, ये जो दुर्गा जो एक मक्खी पैदा नहीं करती उसके लिए बहुत आराधना, और जो हम सबको पैदा किए जो सचमुच जगदम्बा हैं उनके लिए क्रूर भाव। असली जगदम्बा को समझो, असली देवता को समझो, और उनके साथ सुंदर व्यवहार करना सीखो, और स्वयं में जो भीतर बैठा परमात्मा है उसको उद्घाटित करो, उसका अनुभव करना सीखें। मैं समझता हूँ यही हमारा धर्म हो जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आश्चर्य है कि आप लोग शांत बैठे ही हैं जबकि टाइम हो गए हैं 3:22, और इन प्रकार के विचार जो बिल्कुल नीरस, ना मैंने कोई कथा कहानी कही, ना कोई ऐसी बात शास्त्रों की बात नहीं कही, बस आपके जीवन की बात। आप जिस दिन इसका संवेदनशील हो जाए, आप सेंसिटिव हो जाए, आपको निश्चित रूप से अपने जीवन की चिंता होनी चाहिए, मुझे जीवन को सुंदर बनाना है और बस ये जीवन को मुझे ऐसे जीना है, आप मैं अपने विचारों को बदलूँगा, अपने शब्दों को बदलूँगा, अपने क्रियाकलाप को बदलूँगा, सही सोचूंगा, सही बोलूँगा, सही काम करूँगा, और सही का मतलब अपने लक्ष्य को पाने के लिए करूँगा, जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। आप सबके प्रति यही शुभकामना है। आप स्वस्थ रहें, प्रेमपूर्ण जिए, समृद्ध हों और शांति का अनुभव करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु देव की। बहुत बहुत साधुवाद। बड़े ही तन्मयतापूर्वक पूज्य गुरुदेव जी के विचारों से आप सब जुड़े। मैं आभार के लिए आयोजक सम्मानी गोपाल वर्मा जी से निवेदन करता हूँ, वे आए, और पूज्य गुरुदेव जी के प्रति और श्रोता समाज के प्रति आभार प्रदर्शित करें। आप सब ऐसे बैठे रहेंगे। ये जो कबीर विचार माला अनिल एक चैनल है, यूट्यूब में जाएंगे और पूज्य गुरुदेव जी के विचार से आप जुड़ेंगे। आप भी जो ये कार्यक्रम हुआ है इसको कल 6 बजे आप कबीर विचार माला अनिल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उससे जुड़ जाएंगे, पूरे आप सुन सकेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, 1.5 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। बहुत देर से आप बैठे हैं महसूस कर रहा हूँ। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में हो या मेरे सीने में हो कहीं भी आग, मगर आग जलनी चाहिए। मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, मैं चाहता हूं कि ये सूरत बदलनी चाहिए, क्योंकि साहिब जी का आगमन ही सूरत से हुआ है। गुजरात के सूरत से आप चलकर आए हैं हमारी जिंदगी खूबसूरत बनाने, और हम अपनी सूरत अपने घरों से लेकर के अगर मंदिर तक नहीं आते तो सोचिए क्या होता। अब तो पता चला ना कि हम किस जगह पर हैं और कहां जाना है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि पूज्य गुरुवर को आपने सुना है। आप बहुत सारी अपेक्षा लेकर के घर से निकले रहे होंगे कि वहां जाकर के ये सुविधा मिलेगी, ऐसी सेवा होगी, शुश्रूषा होगी, हमारी पूछ परख होगी, पर हम कुछ नहीं कर पाए आपका, फिर भी आप शांत बैठे रहे। मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं।
बड़ी दूर से आए। कुछ हमारे श्रोतागण तो 10-10:30 बजे से ही भाटापारस यहाँ आ गए थे, फिर भी हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, आपकी वो सेवा हम नहीं कर पाए जो आप अपेक्षा लेकर आए थे। जूते चप्पल रखने में, गाड़ी पार्किंग में आपको असुविधा हुई होगी, फिर भी आप शांत बैठे रहे। पुनः आपके चरणों में प्रणाम। और गुरुवार का तो मेरे पास शब्द ही नहीं। दोंदे कला पास में गांव है, यहाँ से 30-32 किलोमीटर, वहाँ प्रतिवर्ष आपका शुभागमन होता रहता है। मैंने वहाँ सुना था, 2-3 बार सुना था, और वहीं से ये प्रेरणा मिली कि एक बार तिलदा नेवरा जैसी जगह में गुरुदेव का कार्यक्रम होनी चाहिए। मैंने हाँ कर दी। और चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, मोबाइल के माध्यम से हो, कार्ड भी किसी को मिला होगा, किसी को नहीं भी मिला होगा, फिर भी आ पाए, इसलिए एक बार और प्रणाम करता हूँ। आप सब आए, मेरे लिए पूज्य हैं आप, मेरे लिए आप श्रेष्ठ हैं। आप सबका पुनः आभार प्रदर्शन करते हुए और एक सूचना है कि आप सब जिन्हें भी भेंट करना हो, आशीर्वाद लेना हो, ऐसे महापुरुष कभी कभी मिलते हैं, ऐसे विचरण करते हुए नहीं मिलते, इसलिए फूल भी रखा है, थाली भी रखी है। आप अर्पण समर्पण करना चाहें कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं, आशीर्वाद ले सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे प्रसाद की भी व्यवस्था है उन्हीं के, क्योंकि जहाँ पे सतोगुण होता है ना, उनके उंगलियों में सात्विक जो परमाणु हैं वो प्रवाहित होते हैं, तो प्रसाद के माध्यम से हमें वो सतोगुण ट्रांसफ़र करते हैं। वो ले लीजिए, जीवन सुखमय हो जाएगा, इसलिए आप आइए, आशीर्वाद लीजिए, ग्रहण करें। पुनः आप सभी का आभार। और कभी ऐसा अवसर मिला तो आप सबको फिर आमंत्रित करेंगे। पुनः आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए आज की अपनी वाणी को माध्यम देता हूँ। हाँ हाँ, हमारे बीच सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष श्रीमान टंक राम जी वर्मा जी पधारे हुए हैं, पूज्य गुरुदेव जी से पुष्प समर्पित करके आशीर्वाद ले लें। श्रीमान टंक राम जी वर्मा, हमारे बीच हमारे छत्तीसगढ़ कबीरपंथी साहू समाज के सम्मानित संरक्षक महोदय सुदूर जरोदा से पधारे हैं, स्वनाम धन्य श्री रूपदास जी साहू। और हमारे अग्रज भाटा पारा से पधारे हैं, आप कबीरपंथी साहू समाज के संरक्षक हैं, स्वनाम धन्य आदरणीय श्री शोभाराम जी वर्मा। शोभाराम जी साहू जी, अरे सॉरी। और हमारे छत्तीसगढ़ कबीरपंथी साहू समाज के सम्माननीय न्याय प्रकोष्ठ के प्रमुख आदरणीय वकील साहब सुकृत दास जी साहू जी आए, पूज्य गुरुदेव जी से श्रद्धा सुमन समर्पित करें। दूर दूर से आए हैं हमारे छत्तीसगढ़ कबीरपंथी साहू समाज के परिक्षेत्र अध्यक्ष भी आए हैं, शत्रुघ्न साहू जी, और प्रसाद भी लेते जाएंगे। हिमांशु दीक्षित जी, हाँ, सम्माननीय हिमांशु दीक्षित जी आप भी पधारे हुए हैं, पूज्य गुरुदेव जी से पुष्प समर्पित करके आशीर्वाद ले लें। हमारे महिला अध्यक्ष भाटापारा परिक्षेत्र के श्रीमती मानबाई आप भी पधारी हुई हैं, पूज्य गुरुदेव जी से पुष्प समर्पित करके और प्रसाद भी लेते जाएं। हाँ, महिला अध्यक्ष श्रीमती द्रौपदी साहू आप भी पधारी हुई हैं, और पूज्य गुरुदेव जी से आशीर्वाद लें। श्रीमान शोभित राम जी बिलासपुर से पधारे हैं, आप भी जाएं पूज्य गुरुदेव जी से समर्पित होकर के
और आशीर्वाद लें। हाँ, और प्रसिद्ध पंडवानी गायिका श्रीमती त्रिवेणी देवी, आप भी पधारी हुई हैं। सद्गुरु कबीर साहब के वचनों को गायकी के माध्यम से पंडवानी तर्ज पर समाज में प्रस्तुत करती हैं, आप भी पधारी हुई हैं। एक सूचना की ओर ध्यान देंगे। जिन संतगणों का जो चार पहिया वाहन से आए हैं, कार वगैरह होंगे, क्या है यहाँ पर बाजार लगती है, आज बाजार का दिन है, वो लोग बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कष्ट दूंगा। जिनका कार है तो कार के जो ड्राइवर हैं या स्वयं चलाते हुए आए होंगे जो संतजन, थोड़ा सा किनारे कर लेंगे। आइए सब एक एक करके आएँ और पूज्य गुरुदेव से पुष्प समर्पित करके श्रद्धा सुमन समर्पित करते जाएँ और प्रसाद लेते जाएँ। पूज्य गुरुदेव जी के साथ में भी पूज्य संत शिवेंद्र साहेब जी पर पधारे हुए हैं और संत श्री अनिल साहेब जी और संत श्री अरविंद साहेब जी, आप भी पधारे हुए हैं, पूज्य गुरुदेव जी के साथ ही आए हैं। अरे अरे जनपद सदस्य भी